विंध्य निकोलॉजी एंड नेचुरिस्टी फाउंडेशन की तरफ से मैं देवत्तो सिन्हा आप सबको स्वागत करता हूँ तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिर्जापुर में बेस्ड है और हम लोग पर्यावरण प्रकृति और वन्य जीवों को लेके काम करते आ रहे हैं सन 2012 से आप अधिक जानका जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट वृंध्या बचाव और टोआर जी पर भी देख सकते हैं और ये जो टॉक सीरीज़ है हमने जुलाई में शुरू किया था इसका एक मुख्य कारण ये था कि जो कोविड का पेंडेमिक के कारण हम लोग फील्ड पर जा नहीं पा रहे थे और एक जो मेल मिलाप था आपस में बात करने का जो हम लोग अपनी जो नॉलेज शेयर करते थे वो हो नहीं पा रहा था तो और दूसरी बात ये देखिए जो बाकी टॉक सीरीज हो भी रहे थे उसमें बहुत कम टाइम होता था, था स्पीकर के पास वो इंट्रैक्शन हो नहीं पाता था उतना तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे की शुरू किया जाए जिसमें कि ऐसे मुद्दे ऐसे स्पीशीज़ के बारे में बात किया जाए जिस भी आमतौर पर लोग बात नहीं करते हैं और ऐसा टॉक सीरीज जो कि सिर्फ वाइल्ड लाइफ ही नहीं जो भी नेचर के प्रति थोड़ा सा भी कमिटेड है वो भी इसको अपना कुछ सीख सके और जो स्पीकर है उससे बात भी कर सके तो इसमें जो है स्पीकर पहले अपने बारे में पूरा टॉक देता है उसके बाद जो है अप, अ, एक डिस्कशन फोरम उसमें डिस्कशन में लोग अपना बातचीत करते हैं चर्चाएँ करते हैं तो अ, ये जो पेंगोलिन के बारे में हमारा जो टॉक ये वाला जो सीरीज़ है इसका भी एक कारण ये था कि पेंगोलिन जो है ऐसा स्पीशीज़ है जिसके बारे में भी बहुत कम बातचीत होती है हम लोग पेंगोलिन के बारे में तभी जानते हैं न्यूज़ में आता है कि यहाँ पे पेंगोलिन जो है कुछ शिकारी ने पकड़ा है कुछ जगह पेंगोलिन का शिकार मीट के लिए होता है कुछ जगह ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भी होता है कुछ जगह पोचिंग करके बाहर भेजा भी जाता है चाइनीज़ मेडिसिन में भेजा जाता है और कोविड के कोविड का जब इस कोविड का आया उसमें उसमें पेंगुलिन का एक रोल उभर के आया है कि पेंगुलिन की वजह से जो कोविड महामारी फैली है इस पर भी बात करेंगे हम लोग बाद में जब टॉक हो जाएगा उस पर कि क्या रोल उसका रहा है और तुषार जो है मुझे लगा कि इस टॉपिक पे सबसे जो एक जो एक्सपीरियंस है तुषार के पास है क्योंकि ये बहुत सालों से पेंगुलिन पर पे काम कर रहे हैं मेल घाट पर इससे पहले काम कर रहे थे अभी भीमशंकर सेंचुरी महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में काफ़ी क्लोजली काम कर रहे हैं इसके अलावा भी कई सारे संस्थाएं हैं उनके साथ भी काम कर रहे हैं उनके पास जो फील्ड की जो नॉलेज है प्लस जो उनकी साइंटिफिक एक्सपर्टीज़ है वो अपने आप में बहुत यूनिक है और इनकी जो काम है वो सिर्फ साइंटिफिक साइंस तक ही सीमित नहीं है ये जो है आदिवासियों में के बीच में जाके सरकार के बीच में जाके एक अवेयरनेस फैलाना इंटेलिजेंस गैदर करना जो कि बहुत ज़रूरी है ये काम भी करते आ रहे हैं तो मैं बिना ज़्यादा वक्त बर्बाद करे मैं तुषार जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो जो है अपने टॉक जो है दे धन्यवाद थैंक यू देवादित्य मेरा आवाज आ रही है सबको हाँ आ रही है आ रही है ओके थैंक यू सो स्पेशली मैं देवादित्य और आप सब लोगों के मतलब आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और आज टॉक देने के लिए डिस्कस करने के लिए आप लोगों के साथ मुझे चांस मिला सो बेसिकली मैं मैं थोड़ा स्टेशन के मेरे लिमिटेशन से, लाइट वगैरह इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं कम पॉइंट आके हम लोग सीधा टॉक को शुरू करते so, कहां ऑडियो उसको अपलोड का बटन यस 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 हाँ वहाँ से डेस्कटॉप शेयर कर लीजिए ओके ओके हाँ सो गाइस बेसिकली देवादित्य ने आप लोगों को बताया कि मतलब इंट्रोडक्शन में कि पैंगुलिन के बारे में बहुत कम बात की जाती है राइट right. और होल्ड ऑन यहाँ पे थोड़ा एक ये आ रहा है प्लीज सो बेसिकली सब लोग बोल रहे थे कि अभी साल में जो भी कुछ आप में पढ़ते या फिर न्यूज में या फिर किसी भी जो भी मीडिया में सोशल मीडिया में भी पैंगोलिन का जब भी नाम आता है तो एक तो आइदर वो पोचिंग में आएगा या फिर सीजर में आएगा ना, ना या फिर अभी रिसेंटली जो ट्रैफिक इंडिया रिपोर्ट पब्लिश के उसमें मोस्टली इसी एरियाज में मतलब बात की जा रही है कि पैंगोलिन का मतलब मैमल्स उसको डिक्लेयर कर दिया गया है लेकिन अगर आप लोग देखोगे इंडिया में स्पेशली 1972 से है ना कि जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो फॉर्मेशन हुआ उसके बाद जिस जिस स्पीशीज को अटेंशन मिला है लाइक तो वो स्पीशीज के लिए गवर्नमेंट हो या फिर इवन सिविलियंस हो नॉर्मल कंजर्वेशनिस्ट हो वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स हो सब लोगों ने उसके ऊपर बात करना शुरू किया और उस स्पीसी को काफी बेनिफिट हुआ है और उसी के बेस पे जो भी गवर्नमेंट ने अभी तक जो भी प्रोजेक्ट शुरू किया मतलब फिर टाइगर प्रोजेक्ट हो लायन प्रोजेक्ट हो एलिफेंट प्रोजेक्ट हो राइनो प्रोजेक्ट हो ये जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए इसलिए लिए गए कि लोगों का सब लोगों को उसको अटेंशन मिला और उसका बेनिफिट भी हुआ ऐसा माना जाता है कि मतलब उसका बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है कि लायन प्रोजेक्ट है जब शुरू हुआ था तब अराउंड इंडिया में उसकी पॉपुलेशन आप सब लोगों को पता होगी कि लेस देन टू हंड्रेड थी लेकिन अभी अब जो भी जब ये सब लाइन प्रोजेक्ट शुरू किया गया सब उसको उसका प्रोटेक्शन उसका कंजर्वेशन जब शुरू हुआ तो अभी मोर देन अराउंड सेवन हंड्रेड टू एट हंड्रेड अभी तो कुछ तो नए नंबर्स आ गए तो उसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होकर उस स्पीसीज को काफी बेनिफिट हुआ है और मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट शुरू होने की वजह से हाइब्रिटेड रिस्टोरेशन हो ही रहा लेकिन स्पीसीज की रिकवरी भी बहुत हुई है लेकिन अनफॉर्चुनेटली

तो बेसिकली ये जो ये आप लोग जो चाय मतलब ये पाई चार्ट देख रहे हैं ये उतना ही दिखा जा रहा है जितने सीजर्स किए गए जितने सीजर्स के रिकॉर्ड और जो भी मेजर सीजर्स हुए जो शिपमेंट्स पकड़े गए कस्टम्स वालों ने पकड़े हुए या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर लोकल अथॉरिटीज ने जो जो मेजर जो बड़े बड़े सीजर्स किए गए उन सब का डेटा को उन्होंने कंपाइल करके उसका एक एनालिसिस किया है लेकिन ये जो डेटा दिख रहा है ये जिस द पीक ऑफ द आइसबर्ग आप उसको बोल सकते हो बहुत सारे ऐसे जो सीजर्स है जो छोटे मोटे जो इंडिया में भी पुणे में या फिर मुंबई में कलकत्ता में जो ऐसे एक एक दो दो पैंगुलस सीजर्स होते हैं या फिर डिपार्टमेंट को कंफ्यूज कौन्फ, टिकेट करती है उसका डेटा इसमें नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग अगर देखोगे तो इसमें जो परसेंट दिया गया है कि पिछले दस साल में जो भी हुआ है, जो बिग कैट्स जो टाइगर्स लेपर्स जिसमें जितने जितने भी सारे जो बिग कैट्स है उन सबका जो ट्रैफिकिंग है सिर्फ टू परसेंट है 2 also, मतलब काफी बड़ा है ivory, जो elephant और उसमें पैंगोलिन का जो अभी तक जो सीजर्स हुए उसमें फाइव परसेंट का कंट्रीब्यूट है पैंगोलिन का अकेली स्पीसीज का ये सारे वर्ल्ड में मतलब मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स, बाकी स्पीशीज़ को हम लोग जो प्रोटेक्शन वगैरह, जितना भी हम लोग अटेंशन दे रहे या फिर हम टाइगर कर रहे तो उसका सब को फायदा हो ही लेकिन उस रेस में उसने इसमें पैंगोलिन को उतना ये नहीं मिल रहा है और यही सबसे बड़ा चैलेंज है मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि पैंगोलिन का जिस तरीके से प्रोटेक्शन या फिर कंजर्वेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है ये 2016-17 का रिपोर्ट था उसके बाद एक बहुत अच्छा रिपोर्ट आया मतलब जिसमें ट्रैफिक इंडिया ट्रैफिक ने बहुत अच्छा सब डेटा कंपाइल करके 2010 से 2015 के बीच में एक मतलब आई के साथ काफी सारे उनके पार्टनर्स थे उनके सबके साथ मिला के उन्होंने एक रिपोर्ट और एक स्टडी किया था जिसमें वर्ल्ड वाइड जितने भी सीजर्स हुए थे मतलब उससे ज्यादा मतलब इन्होंने काफी हाई लेवल मतलब काफी डिटेल्ड ये सब डेटा कलेक्ट करके उसके ऊपर उन्होंने ये एनालिसिस करके डेटा को कंपाइल किया था उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा गया था कि 2010 से 2015 के बीच में 67 कंट्रीज में 1,217 सीजर्स हुए, अकेले पै, पैंगुलिन के और सारे पैंगुलस में अराउंड 120 ट्वेंटी टन कैन यू इमेजिन मतलब आप लोग सोच सकते हो 120 टन का पूरा उसमें उसके स्केल्स वगैरह सीज किए गए थे मतलब अगर आप लोग कैलकुलेट ही करना चाहोगे तो आप पकड़ के चले एक पैंगोलिन में अराउंड थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट उसके स्केल्स होते है ना तो एक सौ मतलब वन ट्वेंटी टनस को अगर आप डिवाइड करोगे उतना तो कितने पैंगुलंस मारे जा रहे हैं उसके आप लोग इमेजिन कर सकते हो जो एस्टिमेटेड जो भी कुछ एनालिसिस हुआ है उसमें ऐसा बोलते रिसर्चर्स की जो मैनेजर्स से जो भी इन्होंने एनालिसिस किया है मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरी दुनिया में हर दिन तीन सौ पैंगुलंस मारे जा रहे हैं है ना तो इतना तो उसके बाद मतलब ये 17 में पैंगोलिन को, मतलब, को उसके बाद लोग थोड़ा सोचने लगे कि हाँ मतलब ये स्पीसी भी थ्रेटेड है भले ये मतलब इतना उसको अभी तक ये नहीं मिला लेकिन ये पोचिंग में और ट्रैफिकिंग में उसको मतलब काफी डिमांड है और ब्लैक मार्केट मार्क में काफी सारी मतलब उसको मार्केट uh, वैल्यूड है उसके बाद 2019 में मतलब लास्ट ईयर uh, 28 मार्च को एक बहुत बड़ा शिपमेंट uh, वियतनाम में दानांग नाम का एक वहां पे एक बंदरगाह है वहां पे एक उसको एक uh, शिपमेंट को सीज किया गया था ऐसा माना जाता है कि अभी तक का मतलब उस डेट तक का वो हाई सबसे बड़ा इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग का वो सीज था जिसमें 9 टन तक आइवरी उन्होंने सीज किए थे और सब लोगों को लग रहा था कि आईओरी बहुत सीरियस है मतलब ऑब्वियसली मतलब वो आज भी 18 परसेंट वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल ट्रैफिकिंग में लेकिन उसके जस्ट नेक्स्ट वीक में सिंगापुर में एक शिपमेंट को ये जो आया था सॉरी आईओरी का ये कोंगो से अफ्रीका से आया था वो शिपमेंट लेकिन जस्ट नेक्स्ट वीक और एक शिपमेंट को सीज किया गया सिंगापुर में है ना तो उस शिप में कम से कम फोर्टीन टन के पैंगस के स्केल्स को सीज किया गया था और ये अभी तक के वाइल्ड लाइफ के इसमें सबसे बड़ा जो सीजर माना जा रहा है वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है सो so इस बात मतलब बताने का मैं इतना आप लोगों कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक सब लोगों को मतलब सारी मीडिया में सोशल मीडिया में बाकी सारी जगह पे या फिर इवन कॉन्जर्वेशन फील्ड में हम लोग काफी सारे मतलब बिग स्पीशीज को या फिर बाकी ऐसे चीजों को जितना अटेंशन मिल रहा है सब चीज़ों पे लोग काम कर रहे उतना पैंगोलिन को नहीं मिल रहा है लेकिन उसी टाइम में पैरेलल इसका पोचिंग में सबसे सबसे ज्यादा उसको थ्रेड को फेस कर रही है और ये थ्रेड किस लेवल का ये दिखाने के लिए मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से उसका ये सब चीजें हो रही है आ, uh, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले मैं uh, सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जस्ट इन केस है ना आप लोगों को मैं थ्रू आउट में मैं अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ मैं अभी आप सब लोगों को बता रहा हूँ अगर जब किसी को जब भी लगे कि उसको कुछ ऐड करना है इसमें तो प्लीज आप लोग भी उसमें ऐड कर सकते हो आपके वो एक्स्ट्रा बताने के, के, लिए। के लिए तो प्लीज फील फ्री टू तो शेयर योर पॉइंट्स एंड व्हाट यू आर थिंकिंग ना प्लीज आप उसे कमेंट कर सकते हैं कमेंट का ऑप्शन भी है तो हमारा उसमें हम क्वेश्चन हाँ, कर ले भी सकते हैं कमेंट कर सकते हो या फिर आपको हम मतलब ये सिर्फ ये वेबिनार ऐसे सिर्फ मैं बोल रहा हूँ नहीं एक डिस्कशन टाइप का हो तो थोड़ा ज्यादा प्रोडक्टिव होगा आप लोगों के आएंगे तो मुझे ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मुझे ही सब पता हो अगर उसके मुझे मेरे अलावा भी किसी और को कुछ पता है तो आप लोग उसमें ऐड कर सकते हो तो तुषार मैं कहता हूँ ना कि आप ना? कर लो, उसके बाद आधा घंटे तो मतलब हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे ओके ओके श्योर श्योर थैंक यू थैंक यू सो मच तो ये फिर उसके बाद अभी मैंने क्या किया कि हम लोग काफी जो आ, मतलब अभी क्या हो रहा है कि अगर आप लोग गूगल भी करोगे पैंगोलिन के लिए पैंगोलिन का सर्च करना है मतलब पैंगोलिन पे स्टडी करना है तो आप लोग देखोगे तो सबसे ज्यादा पैंगोलिन के जब भी कोई रेकॉर्ड आगे तो सीजर्स के या फिर पोचिंग के ही आपको ज्यादा ही मिलेंगे उसके इकोलॉजिकल स्टडी बहुत कम हुआ है उसके ऊपर रिसर्च पेपर बहुत कम है तो उसके मतलब हम लोग उसका अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम लोग कुछ ओपन सोर्स जितने भी न्यूज पेपर में जो न्यूज आते हैं कि कहाँ कहाँ पे सीजर्स हम लोग थोड़ा सा मॉनिटर कर रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड कहाँ पे उसका ज़्यादा ये हो रहा है तो हम लोगों का नेटवर्क हर जगह पे नहीं हो सकता लेकिन मीडिया एक बहुत अच्छा व्यू मतलब एक मीडिया ये है जरिया है कि जिसके जरिए हमें ओपन सोर्स डेटा से हम लोग एक अच्छा डेटा जनरेट कर सकते हैं कि क्या स्टेटस चल रहा है तो ऐसे ही हम लोगों ने कुछ जितने भी न्यूज आए थे तो उसको एक कंपाइल किया था तो अगर आप लोग देखोगे तो मतलब ये एक न्यूज है ऐसे मैंने ये पूरे न्यूज का कंपाइल करके वर्ड में डाल के रखा है तो वो अभी तक के मतलब लास्ट फाइव इयर्स के मैंने सिर्फ ये न्यूज निकाले तब भी अराउंड हंड्रेड से ज्यादा पेजेस का वो कंपाइलेशन होगा वो मैं मिस वर्ड में चाहे तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकता हूँ अगर जब ये डिस्कशन खत्म हो जाएगा तो आप लोग आदित्य शाह के उनके साथ आप, आपका ई मेल आई शेयर कीजिए मैं ये सब डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा तो हर जगह पे आप देखोगे हंड्रेड एंड नाइन पैंगुलट फ्रॉम कुकिंग पॉट है ना कि फिर तीन टन का स्मगल उसमें सीज किया गया उसके बाद फिर बहुत बड़े बड़े ऐसे रिकॉर्ड्स मतलब चाइना में, में वियतनाम स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में और वियतनाम वगैरह वो सब हॉटस्पॉट है वहीं पे सबसे ज़्यादा सीजर्स हो रहे हैं चाइना हांगकॉन्ग ताइवान इन सब एरियाज में और वही सबसे ज्यादा हमें न्यूज का ये भी आ रहा है मतलब अनफॉर्चुनेटली वही सबसे बड़ा मार्केट है ये वो अलग बात है तो एक ये एक रूट कुछ लोगों ने आइडेंटिफाइड किए थे काफी सारे मतलब इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के रूट्स अलग अलग एजेंसीज ने डिफाइन किए लेकिन ये मुझे काफी हद तक थोड़ा जेन्यन लगा हम लोगों के जो भी हमने डेटा रेस किया है या फिर डेटा जनरेट जो भी उसका ऑप्टन डेटा है उसके बेस पे हमने लगा कि ये काफी हद तक ठीक है अगर आप लोग देखोगे तो पैंगोलिन एशिया और अफ्रीका में ही मिलता है उसके बाद में मैं आप लोग उस स्लाइड में आऊंगा तो हम डिटेल में जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में लेकिन जो भी ओरिजिन है पैंगोलिन का वो एशिया और अफ्रीका से ही होता है और उसका सबसे बड़ा मार्केट आप सब देखोगे तो चाइना में ही जा रहे सभी एरोज़ और चाइना प्राइमरी कंज्यूमिंग कंट्री ऐसा हम बोल सकते हैं फिर सेकेंडरी वहां से फिर उसके प्रोडक्ट प्रोडक्ट बाय या फिर लाई और बाकी के बाकी के के कंट्रीज में भी जाते इवन यूनाइटेड स्टेट भी काफी बड़ा अभी मार्केट हो रहा है मतलब वर्ल्ड वाइड अगर आप लोग देखोगे हम लोग सब अभी मतलब जब से कोरोना आया फिर कोरोना से पहले भी हम लोग यही बोल रहे थे कि चाइना में ही मतलब चाइना मतलब चाइना में ट्रेडिशनली वो लोग एनिमल ओरिजिन मेडिसिन का उनका ट्रेडिशनली से काफी अटैचमेंट है इसलिए वहाँ पे काफी डिमांड है आ, लोगों में इसलिए वो बहुत बड़ा मार्केट है ये तो मतलब सबको मतलब किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है इसलिए सभी जाते लेकिन उसके अलावा भी अभी जो यूरोपियन कंट्रीज है उन लोगों में भी काफी डिमांड ये लोग क्रिएट कर रहे हैं ना स्पेशली मतलब पैंगोलिन सिर्फ पैंगोलिन नहीं बाकी के भी स्पीशीज के लोगों को पेट के लिए बर्ड्स का हो या फिर मुनियाज हो या फिर स्नेक्स हो रेप्टाइल्स हो ये सारे के सारे ये लोग काफी यूरोप में भी काफी डिमांड हो, हो रही है और उसकी वजह से काफी काफी नए नए रूट बन रहे उस मतलब यूरोप के साथ काफी कनेक्टिविटी हो रही है और लीगल ट्रैफिकिंग काफी ज्यादा रेट में हो रही है लेकिन अगर आप पैंगोलियन का आप लोग देखोगे तो वियतनाम थाईलैंड है ना मलेशिया इंडोनेशिया ये सब एरिया तो इंडिया से भी जो भी जाता है बेसिकली ऐसे तीन चार रूट आइडेंटिफाइड किए जो नेपाल से होते हुए सीधा चाइना जाता है फिर नॉर्थ ईस्ट है ना यहाँ से मेघालय वगैरह से फिर मतलब अभी म्यांमार वगैरह से होके चाइना जाता है और अब एक नया रूट आइडेंटिफाइड कि मतलब उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ और तमिलनाडु से भी कुछ अभी नए ट्रैफिक रूट शुरू हुए तो सीधा म्यांमार होके वो चाइना जा रहे तो ये बेसिकली एक ट्रैफिकिंग के रूट्स जो बने जिस लेवल पे वो बिजनेस का जैसे वो चल रहे तो उसका एक छोटा सा पिक्चर है ये तो, मरता है, तो इसी में जाएगा। आ, मतलब फ्रेंकली बताऊ तो कई मतलब मतलब मैं बता तो बार मैंने हम लोगों ने जब पोचिंग मतलब में जब हम काम कर रहे थे कि कई बार हमने देखा है कि कोई टाइगर की स्किन या फिर टाइगर कोई मारा जाता है या फिर कोई टाइगर मिस होता है तो जनरल लोग बोलते हैं कि वो टाइगर चाइना पहुंच गया मतलब हमारे यहाँ पे एक बहुत ऐसे कॉमन कॉन्सेप्ट कौ, बन गई है कि कोई चीज़ को अगर हम इंडिया में नहीं ढूंढ पाए मतलब वाइल्ड लाइफ का स्पेशली तो वो भाई चाइना चला गया होगा या फिर वो वहाँ पे बिक गया होगा फिर वो इंडिया के बाहर चला गया इसलिए हम लोग उसको ट्रेस नहीं कर पाए और वो केस कई टाइम पे कुछ टाइम के बाद वो ये हो जाती है आ, उसको बंद कर देते लेकिन अगर आप लोग फैक्ट देखोगे पैंगुलन के बारे में स्पेशली तो ये लास्ट में मतलब जब से हम लोग दो तीन साल से जो मतलब है, मतलब काफी इंटेंसिव लेवल पे पैंगोलिन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं ट्रैफिकिंग को फिर हम उसको इकोलॉजिकल स्टडी करने का वो रेस करने कोशिश कर रहे हैं तो उसमें हमने देखा है कि पिछले चार पांच साल में इंडिया में बहुत बड़ा एक मार्केट है पैंगोलिन का और ये मार्केट को कोई ऐसे कोई छोटी ये नहीं तो ये जो हमारी वेल डेवलप सिटीज है स्पेशली बेंगलोर वगैरह ये अभी मेजर हब बन गए सॉरी

ये ट्राइबल्स होते हैं या फिर वो आ, आ, मतलब हंटिंग कम्युनिटी से बिलोंग्स करते हैं लेकिन, है है। लेकिन वो डिमांड जो क्रिएट जो, जो हो रही है बेसिकली वो हाईली एजुकेटेड ग्रुप से हो रही है है ना या भी आप लोग देखो कि बैंगलोर भी काफी मतलब बहुत किसी को बताने की जरूरत नहीं बैंगलोर की भाई वेल well एजुकेटेड लोगों का मतलब सिटी है काफी एजुकेटेड लोग है काफी मतलब आई टी सेक्टर डेवलप है पुणे का भी वही सेम सीन है लेकिन फिर भी वही पे लोग मतलब वहाँ पे ज्यादा लोग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पे जो भी मतलब आजू बाजू में जो भी पकड़े जा रहे हैं महाराष्ट्र में इवन सांगली सातारा कोल्हापुर रत्नागिरी जो भी मेजर डिस्ट्रिक्ट है जो uh, मतलब वेल नोन uh, पेंगुलिन बेयरिंग डिस्ट्रिक्ट इनको बोल सकते हैं वहां से पकड़ा गया पेंगुलिन कई बार पुणे में बेचा जा रहा है है ना तो इसके लिए कई बार हम लोग मुझे हम लोग अभी तक उसको ये नहीं कर पा रहे कि ये ऐसे कैसे मतलब एक कौन सी माइंडसेट उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं कि जैसे कम्युनिटी लेवल पे हम लोग तो उसको मतलब डेफिनेटली हमको सप्लाई चेन को ब्रेक करना है हमें उसको रूट को कम मतलब उसको खत्म करना है कि भाई कोई उसको ना पकड़े और ना बेचे लेकिन जब तक हम लोग उसको डिमांड को उसको कम नहीं करते है ना कोई उसको वो, उसको डिमांड नहीं करता कोई उसको परचेज उसको पैसा रेज नहीं करता तब तक हम लोग को बेचने वाले को भी हम ज्यादा टाइम तक रोक नहीं सकते हम भले ही को पकड़ ले लेकिन उसकी जगह दूसरा ले लेगा कि उसमें कोई तो डिमांड है कोई तो सप्लाई करने वाला चाहिए तो वही मैं जैसे बेंगलोर का ये तो इंडिया के लेवल पे मैं सिर्फ दो सिटीज का मैं मतलब हम लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं इसलिए मैंने पुणे को डिस्प्ले कर रहा हूँ और इंडिया के लिए अभी लेकिन तमिलनाडु उड़ीसा में काफी सारी जगह पे बहुत सारे सीजर्स हुए वो भी मैंने आगे डाले अगर वो आप लोगों को दिखेगा और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग को एक बताता हूँ मैं है ना कि कई बार मुझे पता नहीं अगर आप लोग ये ये देखोगे की ये एक न्यूज में दिख रहा है टू हेल्ड फॉर स्मगलिंग पैंगल वर्थ फिफ्टी लाख रुपीज इन पुणे मतलब ये लोग कई बार मीडिया में ये जो प्राइसेस आती है ये जो क्यों जो लोग किसी स्पीशीज को बता देते कि इसकी कीमत इतनी ये लोगों को पता नहीं मुझे ये लोग कहाँ से इवेल्यूशन डिमांड मतलब इतना पैसा है, है या फिर उसकी इतनी प्राइस है अभी तक हम लोगों ने काफी सोच ढूंढने की कोशिश की कि ये लोग किस बेस पे ऐसे करते लेकिन ये हमें उसको छोड़ कर भिजाई लेकिन उसका दूसरा परस्पेक्टिव है जिस तरीके से चीज को प्रोजेक्ट किया जाता है है ना मीडिया में या फिर आम लोगों को तो इसका कहीं ना कहीं पे गलत इम्पैक्ट भी होता है है ना उसका एक बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को मैं बताऊं तो कोई भी पैंगोलिन मतलब अगर कोई न्यूज में पढ़ लेगा कि भाई क्योंकि न्यूज के जरिए बहुत सारे कुछ लोगों को ये नहीं पता कि पैंगोलिन क्या है या फिर उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट क्या है लोग मीडिया में उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट दिखाने के बजाय उसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा दिखाने की कोशिश करते और लोग ये नहीं सोचते कि भाई वो मतलब इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है वो लोग यही सोचते हैं कि इसकी बहुत कीमत है और हम इसको बेच सकते हैं है ना ये मतलब कोई किसी को पैंगोलिन मिल जाए तो उसके लिए वही वो मानो तो जैसे कि पारस पत्थर ही मिल गया हो उसका एक बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को आप देता हो कि लास्ट वीक में महाराष्ट्र में एक सातारा डिस्ट्रिक्ट है आप लोगों को पता भी होगा महाबलेश्वर वगैरह काफी फेमस प्लेसेस है उसी एरिया में ये उस, उसी डिस्ट्रिक्ट में ये सब चीजें आती है तो सातारा में एक पैंगोलिन को पुलिस डिपार्टमेंट ने लाइव स्पेसिमिन को सीज किया था एक बंदे से तो जब इंट्रोगेशन किया तब काफी शॉकिंग न्यूज पता चली आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा कहीं पता नहीं लेकिन जिसने वो डील की थी जो बेचने के लिए जा रहा था जो बंदा उसने वो एक स्नेक रेस्क्यूर है है ना और उसको पुणे में कॉल आया था एक खड़क वसला नाम का को, कोई प्लेस है पुणे के आउटकट्स में वहां पे किसी ने उसको फोन करके बोला कि उसको पैंगुलन मिले मतलब मिला है और उसको रेस्क्यू करने के लिए बुलाया गया तो ये बंदा वहां पे गया उसने उस पेंगुलिन को लिया और घर पे आने के बाद उसको अपने पास रख के उसकी डील कर ली और अनफॉर् मतलब फॉर्चुनेटली बोली या फिर उसका गुड लक अच्छा था पैंगोलिन का कि पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको ट्रैक किया और उसको ट्रैप लगा के उसको अरेस्ट कर लिया मतलब मेरा बताने का इंटेंशन इतना ही है कि मतलब जो लोग ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ के लिए काम कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं बोल सकते स्नेक रेस्क्योर भी मतलब से, मतलब स्नेक से, मतलब रेस्क्यूर अभी तो फिलहाल में काफी कॉन्ट्रोवर्सियल फील्ड होती जा रही है उसमें बहुत सारे अभी खराब खराब इंसिडेंसेस हो रहे हैं तो मैं उसके लिए कोई पॉइंटिंग नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे मतलब ये जो चीजें हो रही है कि किसी को भी जो जो लोग उस फील्ड में काम करे उनकी भी नियत खराब हो रही है और कहीं ना कहीं उसके लिए ये सब जो पचास लाख ये जो दस लाख ये दस करोड़ ये जो 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 नंबर आ रहे ना वो कहीं ना कहीं कही उस पर इम्पेक्ट कर रहे मीडिया में जो भी जिस तरीके से हम मीडिया के जरिए या फिर किसी भी चीज के जरिए जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो उस स्पेसिस को कहीं ना कहीं मतलब पे पर पैंगुलन कर अभी तो काफी सारे अभी एक सैंड बोअ वगैरह उसका भी काफी बड़ा रैकेट चल रहा है एक बड़ी सिंडिकेट काम कर रही है जो पूरे इंडिया में वो कुछ ब्लैक मैजिक या भी बाकी चीजों के लिए वो लाखों करोड़ों में उसकी कीमत लगा रहे और जब उसको सीज करते मीडिया में यही आता है कि भाई उसकी कीमत इतने दस लाख में उसकी डील हो रही थी पचास लाख में उसकी डील हो रही थी तो लोग सोचते है कि इतना महंगा जा रहे थे भाई इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह और इस कहीं ना कहीं पर हम लोग एक गलत मैसेज दे रहे हैं इसके पीछे में मतलब मैं इसलिए मतलब ये चीजों को भी हमें कंट्रोल करना या फिर कहीं ना कहीं पे उसको थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट प्रोजेक्ट करने की जरूरत है ऐसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है इसलिए मैं आप लोगों को ये इतना ये किया था तो मतलब अभी इसलिए मैं आप लोगों को नए नेक्स्ट स्लाइड पहले ये इसलिए बताया कि एक काफी जेन्युअन वेबसाइट है।, है ना होरोस्कोप का ऐसा कुछ तो उसका नाम है जिसमें वो लोग काफी वर्ल्ड वाइड में जो भी ब्लैक मार्केट में जो भी कुछ चीजें बेची जाती है उसकी वो लोग एक कॉस्टिंग वगैरह वो बताते हैं कि उसके ऊपर की क्या उसका ये है तो उसके मैंने पैंगोलिन का एक कुछ डेटा हमने रिट्रीट किया था तो एक ये भी आप लोग ऐसा कंसिडर मत कीजिए कि ये बहुत जेन्यून है।, है ना थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है लेकिन फिर भी मैंने काफी सारे हमने तीन चार जो भी जो भी हमारे पास सोर्सेस है जो भी हम लोग डेटा जहाँ से ले सकते हैं उसके साथ कंपेयर करके लगा कि ये ठीक है मतलब इस तरीके से अभी उसको मतलब पैंगोलिन का मार्केट इस तरीके से किया जा रहा है

अलग एडवरटाइज कर रहे तो पैंगोलिन का और पैंगोलिन मीट मतलब अभी जो बोल रहे लोग थ्री हंड्रेड डॉलर पर किलोग्राम से वो लोग बेच रहे और स्केल्स सबसे ज्यादा डिमांड है जो थ्री थाउजेंड डॉलर पर किलोग्राम का उनका अभी रेट ऐसा बोल रहे कि भाई चाइना में जाए या फिर यूएस में या फिर यूरोप में अगर कहीं पर भी बाहर बिकता है तो उस रेट से वो बिकता है सॉरी तो अभी तक आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि मतलब दिमाग में ये सबसे पहले आता है कि ठीक है इतने सारे लोग पैंगोलिन के पीछे क्यों पड़ गए अगर आप लोग देखोगे तो पैंगोलिन का किसी के साथ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बाकी का इवन में जब हम लोग टाइगर पे काम कर रहे थे तो मैंने खुद ऐसा मतलब हमने खुद का ऑब्जर्वेशन था अगर कोई दस टाइगर के, के सो रहे डेथ के तो उसमें ऑलमोस्ट तीन चार टाइगर के तो रिटॉलिटरी किलिंग्स होती थी कि भाई कोई टाइगर किसी लाइफ स्टॉक को मार दे किसी के फिर उसके ऊपर वो पॉइजनिंग कर देता था, था तो या फिर ऐसे कुछ वजह होती थी वो स्पीसीज को मारने के लिए लेकिन पैंगोलिन का अगर आप लोग ओवरऑल देखोगे इसका ह्यूमन के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है मतलब कनेक्टिविटी नहीं है मतलब उसका कोई उसके मतलब उनके सोशल सिस्टम पे या फिर ह्यूमन लाइफ पे या फिर उनके किसी भी इस पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं ना ही ये लाइफ स्टॉक डिप्रेडेशन करता है ना ये क्रॉप डैमेज करता है ना ही इसका ह्यूमन अटैक्स में कोई रोल है लेकिन फिर भी ये स्पीसीज species... सॉरी क्यों लोग मतलब ये क्यों इतना उसकी पोचिंग हो रही है तो थोड़ा हिस्टोरिकल मतलब पैंगोलिन के इसके पीछे एक ऐसा मानते हैं कि इसका एक हिस्टोरिकल भी एक कंसर्न है कि आप लोगों को पता होगा कि पैंगोलिन की आइडेंटिटी जो है उसको स्केली एंड भी बोलते हैं कि जिसके ऊपर वो पूरे स्केल से उसकी बॉडी कवर होती है और वो काफ़ी हार्ड मतलब काफ़ी हार्ड होती है और उसको कोई भी उसको मतलब पहले जो एरोज या फिर ये जो स्पेयर वगैरह थे उसको पेनेट्रेट नहीं कर पाते थे इवन हमने भी एक दो इंसिडेंट्स में में डॉक्यूमेंट्रीज भी आप लोगों ने देखा होगा कि लायन अगर उसके साथ खेल रहे वो खुद को बॉल कर लेते हैं फिर उसको कोई मतलब उसका उसको उसका उसको डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो डिफेंसिव बोलने के वजह उसको प्रोटेक्टिव मैकेजम बोल सकते तो उसमें वो उसके स्केल्स को वजह से उसको नेचुरली उन्होंने उसको डेवलप कर लिया है कि वो खुद को प्रोटेक्ट करे तो स्पेशली जब मेडिवल इरा में स्पेशली जब Uh, मतलब जब गन्स या फिर काफी ये, अभी एडवांस वेपन्स का जब इन्वेंशन uh, नहीं होता जब लोग हथियारों से मतलब तलवार या फिर से जब वो लड़ाई करते थे उस टाइम पे वो वो जो बैटल जो बैटल जैकेट जाता था राजाओं का फिर वो वॉरियर्स का उसके लिए पेंगुलेंस के वो स्केल्स यूज करते थे कि मतलब अगर कोई एरो मार रहा है तो वो पेनाट्रेट ना करे और उसको प्रोटेक्शन मिले और उसके लिए उस टाइम पे काफी हद तक उनकी मतलब शिकार की जाती थी और उसके लिए वो फिर उससे वो लोग ये करते थे फिर ये पूरा टाइप लेकिन रिसेंटली अगर आप लोग देखोगे जो चाइना में या फिर साउथ ईस्ट जो भी आ, कंट्रीज स्पेशली फिर कंबोडिया हो फिर वियतनाम हो फिर जितने भी फिलीपाइंस है बाकी वो सारे कंट्रीज में पैंगोलिन को ओन कंजन के लिए काफी डिमांड है क्योंकि उनके ट्रेडिशनल मेडिसन्स में पैंगोलिन को एक अलग इंपॉर्टेंस दिया गया है उन लोगों को ऐसा मानना है कि पैंगोलिन का मीट काफी सारे डिजीज पे क्योर करने के लिए वो काफी यूजफुल है लेकिन अभी तक तो कोई भी साइंटिफिक ऐसा नहीं हुआ है कि भाई सच में कि जो भी बोला जा रहा है कि पैंगोलिन का जो मीट है वो किसी डिजीज को क्योर करने के लिए या फिर ऐसी चीजों में यूजफुल है लेकिन फिर भी वो लोग यूज कर रहे हैं तो अगर आप लोग देखोगे तो ये फोटो आप लोग दिखा होगा तो पैंगोलिन से ज्यादा अगर कि उसको डिमांड है तो उसको फिटर्स को या फिर उसको न्यू बोर्न जो बेबी होता है उसको ज्यादा डिमांड है ऐसे माना जाता है कि वो अगर वो खाते है तो जो भी है ना इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ा फेयर होता है हमारे सोसाइटी में है ना कि जेंट्स अगर बाकी लोगों में कि भाई तो उसको क्योर करने के लिए या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये सबसे बड़ा माइंड गेम है है ना कि उसको क्योंकि सबसे बड़ा फेयर है तो उसी वजह से वो मार्केट को कैप्चर करने के लिए कस्टमर को कैप्चर करने के लिए उस चीज को साथ रिलेट करोगे तो ज्यादा लोग उसको आ, ये करेंगे सॉरी ज्यादा लोग उसको डिमांड कर रहे उसके साथ मतलब स्पेशली चाइना में आ, आप लोग मतलब अराउंड फोर्टी तरह के मेडिसिन जिनमें पैंगोलिन का स्केल्स को यूज किया जा रहा है और उसमें मतलब और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊ कि वियतनाम हो जहाँ पे जब से ज्यादा बेचा जा रहा है पैंगोलिन को दोनों कंट्रीज में पैंगोलिन को पैंगोलिन के स्केल्स को पैंगोलिन के मीट को बेचना इलीगल है उन्होंने भी उसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है बट आप लोगों को पता होगा कि वहां के गवर्नमेंट या फिर उन कंट्रीज में इतना उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है उसकी वजह से आज भी ओपन मार्केट में पैंगोलिन या फिर बाकी चीजों को बेचा जा रहा है अभी भी दो या मतलब मैंने तीन मेडिसिन है जो लीगलाइज है चाइना में जिसमें पैंगोलिन का यूज होता है फिर ये वियतनाम में कुछ मेनू कार्ड्स है जिसमें पैंगोलिन को मेन्यू कार्ड में छाप के वो लोग डिश में बताया जा रहा है इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया में इस ओन कंजन ही सबसे बड़ा थ्रेट है लोग जो यूज कर रहे हैं तो वो अपने खुद के ज्यादा खाने के लिए यूज किया जाता है और कुछ लोगों का एक सुपरस्टिशियस भी एक फैक्टर है कुछ लोग ऐसा मानना है कि जो पैंगोलिन का जो स्केल होता है अगर उसका रिंग बना के अगर हम हाथ में पहनते हैं तो उससे भाई भूत प्रेत या फिर जो भी कुछ निगेटिव एनर्जीज है वो हमें कुछ नहीं करती तो उसके लिए भी वो पैंगोलिन का ये करते बहुत सारे उसमें वो, आ, उसका पोचिंग होता है तो ये कुछ ट्रैफिक से और मैंने कुछ मैगजीन से स्पेशली आप लोगों के लिए फोटो कलेक्ट किए थे तो इस तरीके से उसका ये होता है पोचिंग वगैरह तो अगर हम लोग थोड़े टाइम के लिए कंसिडर भी कर ले है ना कि भाई ये किस लेवल पे आ, उसका पोचिंग अगर हो रहा है तो फिर भी हम लोग भी ये सोच सकते हैं कि क्यों उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है अगर हम इंडिया में एज कम्पेयर टू देखें तो इंडिया में काफी हद तक नॉट हंड्रेड परसेंट पर काफी हद तक हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में अभी काफी सेंसिटिव हो गए हम लोग हमारे पी के बारे में हमारे गवर्नमेंट हमारे पास मतलब काफी एक बड़ी अभी जनरेशन आ रही है जो अच्छे कॉन्जर्वेशनिस्ट है अच्छे रिसर्चर्स है जो उस पर काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोग उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी थी मैं देवी देवता को रिक्वेस्ट करूंगा ये कि छोटा एक एक सा फिल्म है मतलब एक गेटवे नाम का ट्रैफिक का एक फिल्म बना था डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी उसमें मैंने एक लिया कि, कि किस तरीके से वो उसका मतलब मार्केट किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा रहा है देवी देवता प्लीज प्ले करोगे क्या वीडियो को अभी हमें पता चल गया कि भाई पैंगोलिन ना कि सबसे हाईएस्ट ट्रैफिक मैमल्स है आ, या फिर उसकी पोचिंग हो रही है इस, इस कंट्रीज में उसको डिमांड है ये ये रूट से बेचा जा रहा है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट ये है कि अभी हमें उस स्पीशीज को जानना बहुत जरूरी कि एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या मतलब हमने तो अभी तो के एस्टिमेट कर लिया कि ठीक है भाई इसकी इतनी डिमांड है इतना इसको कॉस्ट है इतना प्राइस है ये लोग उसमें इन्वॉल्व है लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि उसका एक्चुअल इकोलॉजिकल रोल क्या है और पैंगोलिन एग्जैक्टली exactly है क्या तो पैंगोलिन ये जो वर्ड है है ना कि अगर आप लोग पीपीटी में भी दिख रहा होगा तो ऐसे बॉल जैसे बन गई है ये फोटो एक धनंजय गुत्ते नाम के एक लातूर के एक पुलिस ऑफिसर है उनको फिर ये फोटो मिली थी तो उन्होंने शेयर किया हमारे साथ तो बेसिकली ये जो जो मतलब पैंगोलिन का एक मलायन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि समथिंग दैट है ना रोल्स अप मतलब वो ऐसे बॉल जैसे बन जाता है मलयालम में जिसको बोलते हैं तो वो उसको बोलते हैं पेंगुलिन तो वहां से ये पेंगुलिन जो वर्ड है वहां से आया था पेंगुलिन बेसिकली आप लोगों को पता मतलब ये होगा कि अगर नहीं पता मतलब इसमें कि ये मरमा को फाइगस मतलब ये बेसिकली एंट और टर्माइट सी खाता है ये टूथलेस मैमल से इसको दांत नहीं होते तो ये ऐसे चेविंग नहीं कर सकता किसी चीज को पकड़ के तो ये अपने टंग से ये ऐसे इसको को वो खाता है ये बहुत ही नॉन एग्रेसिव है इसी वजह से शायद इसके पास कोई डिफेंसिव या ऑफेंसिव कोई ऐसे मैकेनिज्म नहीं होता है जिससे फाइट कर सके सिवा ये ऐसे रोल होने के या फिर उसका जो कवर है उसके बना और इसी वजह से उसको कोई भी पकड़ सकता है उसको कोई भी मार सकता है और इसलिए वो इजी टारगेट हो जाता है पोचर्स के लिए नॉट ओनली पोचर्स क्योंकि मतलब आप लोगों को बताओ कि टाइगर को बाकी चीजों को लायंस को जो भी बाकी बिग गेम्स जो स्पीसीज है उनको मारने के लिए काफी प्रोफेशनलिजम चाहिए है ना उसमें बहुत सारे लोगों को कुछ बहुत सारी क्वालिटी चाहिए उसमें जंगल में जाना पड़ता है लेकिन उसके भी पैंगोलिन का पोचिंग इसमें इतना आसान नहीं कि कहीं पर भी ये मिल जाता है ना कि नॉट कि इसको जंगल में जाना पड़े ये इंडिया में खेतों में कहीं पर भी ये आजू बाजू में रहने की वजह से और इसके पास कोई भी मतलब तो डिफेंसिव ये न होने की वजह से उसको कोई भी पकड़ के आदमी उसको बेच रहे तो ये नॉन एग्रेसिव है हंड्रेड परसेंट नॉक्चरनल है हमें जितने भी अभी तक में अगर हमें फोटोग्राफ्स मिले रात को बजे से तीन बजे के बीच में ही हमें मोस्टली फोटोग्राफ्स मिले और दिन भर ये बंदा बोरोज में ही रहता है मतलब ये फुल्ली बोरोइंग आगे उसके बोरोज वगैरह उसमें जाएंगे तो बेसिकली पैंगोलिन के पूरे वर्ल्ड में आर्ट स्पीसीज मिलते है।, है ना तो उसमें से जो भी आर्ट स्पीसीज है जो में से चार स्पीसीज अफ्रीका में मिलती है और चार स्पीसीज एशिया कॉन्टिनेंट्स में मिलती है मतलब एशिया में और अफ्रीका में ही ये दोनों मतलब ये आठों स्पीसीज मिलती है और इसमें से सारे के सारे स्पीसीज ये मतलब इंडिया में जो दो स्पीसीज मिलती है उसमें से ये दोनों प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल वन में आता है और ये सारे स्पीसीज आईटीज़ के अपेंडिक्स वन में और हर कंट्रीज के अपने अपने लॉज में भी इन ऑलमोस्ट सारे स्पीसीज को प्रोटेक्शन भी मिला है तो ये इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ कि थोड़ा टाइम वगैरह बाकी लोगों का भी एक घंटे का है तो तो बेसिकली ये इनका पैटर्न है आप अगर आप लोग देखोगे ये इंडियन मेरा आरोप दिख रहा है ना आप लोगों को हाँ दिख रहा है दिख रहा है ओके ओके ठीक है सो so, जो अफ्रीका सॉरी जो एशिया में जो चार पीस मिलती है उसमें ये इंडियन पैंगोलिन मिलती है चाइनीस पैंगोलिन मिलती है फिलीपींस पेंगुलिन मिलती है जो फिलीपींस इस एरियाज में मिलती है आप लोग ये लोग कलर कोड देखोगे ये इंडियन पैंगोलिन जो मिलती है पाकिस्तान है ना इंडिया नेपाल इस बांग्लादेश श्रीलंका और यहाँ पे ये म्यांमार वगैरह ताइवान तक इस एरिया में चाइना के भी कुछ पार्ट में इंडियन पेंगोलिन का डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है ये और ये मतलब इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है इंडिया में दूसरी स्पेश मिलती है चाइनीज पैंगोलिन मतलब आप लोग देखोगे कि इंडियन पैंगोलिन थ्रू आउट द इंडिया उसका डिस्ट्रीब्यूशन है पर चाइनीज पैंगोलिन सिर्फ हिमालय के और नॉर्थ ईस्ट में ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन है और नेपाल में उसका बहुत अच्छा ये है लेकिन मतलब तराई आर्क वगैरह में इसका उत्तराखंड वगैरह उस एरिया में चाइनीज पैंगोलिन के काफ़ी रिकॉर्ड्स है उस पर वहाँ पे कुछ लोग काम भी कर रहे हैं अच्छे से और ये चाइना में उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से उसके बाद ये सुंडा पैंगोलिन है और ये येलो कलर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया ये फिलिपाइंस पैंगोलिन जो फिलिपाइंस में मिलती है उसके बाद ये अफ्रीकन स्पीशीज है है ना ब्लैक बेलिड, आ, ट्रिमिक्स ग्राउंड पैंगोलिन ये ये जाय ग्राउंड पैंगोलिन से सब, सबसे बड़ी पैंगोलिन है जिनका ये कलर के हिसाब से आप लोग उसका कोर्स देख सकते हैं व्हाइट पेंगुल व्हाइट बेलड पेंगुलिन ये एक स्पीसीज है और जितना भी अगर आप लोग ट्रैफिकिंग देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिकिंग जो सीजर स्वेट पैंगुलंस के वो सबसे ज्यादा मतलब वो जो कंसाइनमेंट वो जो शिपमेंट आया था बेसिकली वो अफ्रीका से आया था इंडिया से या फिर एशिया से जो भी कुछ ओरिजिन है वो बहुत कम है इसकी वजह ये हो ये हो सकती है कि इंडिया में इतने बड़े हाई लेवल पे मतलब इतना बड़े बड़े कंसाइनमेंट नहीं जाते क्योंकि जो जो रूट्स है मतलब अगर इंडिया से भी किसी को भेजना है तो वियतनाम म्यानमार ये सब लोग ऐसे लैंड से कनेक्टेड है और ये छोटे-छोटे शिपमेंट्स या फिर बाकी छोटी-छोटी इसमें भी वो कर सकते हैं लेकिन अफ्रीका से आना है तो उनको एक बड़ी कंसाइनमेंट चाहिए इसी वजह से शायद एक ये हो सकता है कि जितने भी अभी तक सीजर्स हुए जो मेजर सीजर्स थे वो बेसिकली <coughs> सॉरी अफ्रीका <coughs> से आए थे और आप लोग देखो ये देखोगे तो स्पेशली ये नाइजेरिया वगैरह है जो यहाँ पे एक नाइजेरिया है ये कोंगो वगैरह का जो पार्ट है वहां से मतलब ये दोनों ये ती, दोनों तीनों कंट्री काफी डिस्टर्ब है पॉलिटिकली डिस्टर्ब है इकोनॉमिकली डिस्टर्ब है तो वहां पे इतने वो मतलब जो लॉज वगैरह है वो मतलब इतने लेवल पे वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे इसलिए वहाँ पे सिर्फ बैंगुल नहीं सारे स्पीसीज वहाँ पे थ्रेटेंड है लेकिन वहाँ पे जो भी जो मेजर ओरिजिन जो हो रहा है बाकी चीज़ों का तो वही से वो पूरे थ्रो डबल वो लोग सप्लाई कर रहे हैं मतलब मेजर सप्लाई चेन जो आ रही है वही से आ रही है

सो so, uh, अभी सारे स्पीशीज के सारे स्पीशीज के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया लेकिन अभी जो हम लोग काम करे जो इंडिया में जो स्पीशीज मिलती है तो उसके में और जिस पे ऊपर हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है हमारे लेवल पे वो है इंडियन पैंगोलिन है ना जो हर एक जितने भी मुझे लगता है कि पार्टिसिपेंट जो भी कुछ इसको अटेंड कर रहे हैं उनके हर एक के कहीं ना कहीं दस पंद्रह किलोमीटर के फेरी फेरी में तो ये मिलना ही है है ना क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन गांव में शहरों के आजू बाजू में भी मिलता है ये इंडियन पेंगुलिन है क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो मैं थोड़ा टाइम के थोड़ा स्पीड अप करता हूँ कि ये फैमिली ऑर्डर में एक अकेला ये है स्पीसीज है जो मैनिडी फैमिली में आता है और ये जो आ, आ, इंडियन पेंगुलिन है वो मैनिस क्लासिका उसका साइंटिफिक नेम है तो मॉर्फोलॉजिकली अगर आप लोग देखोगे ये थोड़ा वेरीज हो सकता है क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पैंगोलियन के ऊपर इकोलॉजिकल काफ़ी कम रिसर्च हुआ है काफ़ी कम डेटा है और अभी नानंद कानन में डॉक्टर राजेश कुमार महापात्र काफ़ी अच्छा काम कर रहे तो उन लोगों ने काफ़ी मतलब कैप्टिविटी में सबसे मतलब काफ़ी सक्सेस ब्रीडिंग भी किया हुआ है तो वो उनके सब वो डेटा वगैरह उसके साथ मैंने अप्रेटर के साथ मैनेज करके सब डेटा को रिट्रीट किया है <coughs> तो ये अराउंड पैंगोलिन एक दस किलो तक केजी तक उसका ये आता है उसका वेट होता है

अभी क्या हो रहा है कि पैंगोलिन का सिर्फ मतलब पैंगोलिन कहीं पर भी मिल सकता है है ना मैं पहले ही बोला कि इसको ऐसे कोई जरूरी नहीं कि भाई पैंगोलिन किसी प्रोटेक्टेड एरियाज में ही मिलना चाहिए या फिर उसको पर्टिकुलर तरह का हैबिटेट ही चाहिए ये थ्रू आउट द इंडिया हर तरह का हैबिटेट मिलता है फिर वो ड्राई डिस फॉरेस्ट हो सेंट्रल इंडिया का फिर या फिर नॉर्थ ईस्ट का रेन फॉरेस्ट हो या फिर वेस्टर्न घाट का एवरग्रीन या फिर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हो या फिर सेंट्रल महाराष्ट्र फिर इसका फिर इसमें ग्रास वाला एरिया हो फिर या फिर एमपी उत्तर प्रदेश वाले ऐसे कुछ एरियाज हो सारे हर जगह पे इसका हर हैबिटेट में अपना मतलब उसकी ऑक्यूपेंसी मिलती है उसका प्रेजेंस मिलता है और ये उसका एक प्लस पॉइंट है उसका कंजर्व करने के लिए हैबिटेट का उसका ऐसा कुछ पर्टिकुलर उसकी डिमांड नहीं है किसी भी तरह के हैबिटेट में खुद को अडॉप्ट कर सकता है एक्लमाइटाइज कर सकता है और वहां पे सर्वाइव कर सकता है इसलिए कि इस स्पीसीज को बचाने तो भाई इसके लिए कोई पर्टिकुलर एरिया ही उसको रिजर्व करना है ऐसा भी नहीं है इसके लिए सिर्फ जरूरी है कि भाई लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए और हमें उसका पोचिंग और प्रोटेक्शन के ऊपर अगर हम ध्यान देते तो स्पीसीज अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएगी और इसका डेफिनेटली फ्यूचर अच्छा हो सकता है तो मैंने पहले बोला था कि ये इसका अगर आप बियर देखोगे तो हंड्रेड परसेंट नॉक्चरनल है लेकिन कुछ एक दो जगह पे मतलब हमारे कुछ दोस्त जो काम कर रहे हैं उनको कुछ वाटर पे से दिन में इसके साइटिंग्स हुए थे पैंगोलिन के लेकिन हमें तो अभी तक दिन में कहीं पर भी किसी भी कैमरा ट्रैप में कोई फोटो नहीं आया हमें जितने भी ले। लेकिन ऐसे कि ये स्पीशीज नॉक्चरनली है और इसी वजह से कि लोकल्स की भी साइटिंग उसके कम होते हैं जिनके भी साइटिंग है नॉर्मली वो पोचिंग के लिए जाते हैं या फिर किसी और आ, काम करते तो वही लोग उसको देख पा रहे ये टेरेस्टेरियल है अनकंडीशनली बट पैंगोलिन को ये बहुत अच्छा क्लाइंबर भी होता है ट्री क्लाइंबर भी होता है अगर आप लोगों को पता होगा कि कुछ कुछ आ, एक विवर एंट नाम का एक होता है जो पेड़ के ऊपर अपना ये बन, नेस्टिंग अपनी कॉलोनीज बनाता है तो उनके खाने के लिए पैंगोलिन बहुत अच्छे तरीके से पेड़ पर भी चढ़ चढ़ा हुआ है ऐसे बहुत सारे लोग ऑब्जर्वेशन है और अफ्रीका में उसके काफी सारे अच्छे फोटोग्राफ्स भी मिले है और उसका मानते हैं कि उसकी मतलब नॉर्मली ये रात में रहता है और काफ़ी टाइम तक बोरोज में रहता है तो उसके देखने की कैपेसिटी काफ़ी कम होती है ना सेंस ऑफ विजन उसका और ये उसके सुनने की जो कैपेसिटी तो कम होती है लेकिन उसके सेंस जो स्मेलिंग जो ऑलफैक्टरी सेंस होता है वो काफ़ी डेवलप्ड होता है मतलब वो पता कर लेता है कि कहाँ पे टर्माइट्स या फिर कहाँ पे उसके आ, आ, कॉलोनीज है लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर बहुत ऐसा ज्यादा इतना आ, काम नहीं हुआ है अभी जितना लोग काम करेंगे उतना उसकी लाइफ और ज्यादा लोग इतना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे ब्योर स्टडी पे तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा ज्यादा जान पाएंगे तो अगर आप लोग ये फोटो देख रहे होंगे तो ये एक टर्माइट कॉलोनी का तो पैंगोलिन क्या करता है कि मतलब जो कॉलोनी होती है उसके मतलब बेस पे यहाँ पे नीचे वो ऐसे ड्रिल करता है वो उस, मतलब उसको टर्माइ्स वगैरह खाने के लिए और यही उसका सबसे बड़ा मतलब जो जो लोग ऑक्युपन्सी वगैरह करते हैं या फिर जो उन लोगों को इंटरेस्ट होगा इसमें तो ये इनडायरेक्ट साइन में पैंगोलिन के ऑक्यूपेंसी में ये सबसे जेन्यन और यूनिक साइन है कि जिस एरिया में पैंगोलिन मिलता है तो उस तरह के एरियाज में भी ऐसे साइंस मिलते हैं कि जिसके बेस पे ये लोग थोड़ा मतलब अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं फीडिंग में ये हो गया तो मैंने पहले बोला था कि पैंगोलिन ये टूथलेस मैमल्स है ना तो उसका जो टंग होता है लाइक जस्ट लाइकियोन जो होता है उसके जैसे होता है वो स्टिकी टंग होती है फिर वो वहां से बाहर निकाल के और उसको सारे एंट वगैरह उसको चिपक जाते फिर उसको वो मतलब फीड करता है उसके ऊपर ये उसके फीडिंग साइंस uh, है बरोज है अगर आप लोग देखोगे तो क्या होता है कि हाँ नेक्स्ट में थोड़ा ज्यादा समय एक्सप्लेन करता हूँ तो ऐसे उसके बरोज मिलते हैं तो मैंने पहले बोला कि पेंगोलिन बोरोइंग एनिमल है और ये पूरा टाइम इसी में रहता है बरोज में रहता है पूरा दिन भर और रात को सिर्फ बाहर निकलता है नॉर्मली क्या होता है कि पैंगोलिन जिस एरियाज में रहता है जो एस्टिमेटेड जो होम रेंज है उसकी अराउंड टू स्क्वायर किलोमीटर लेकिन ये जो रेंज है उसको कितने एरिया में उसको सफिसियंट फूड अवेलेबल है और उसके फूड के बेस पे वो अपनी होम रेंज डिसाइड करता है जस्ट लाइक टाइगर अभी उसमें क्या रहता है वहां वो दो तरह के बरोज बनाता है

मतलब अगर पकड़ लीजिए कि वहां पे अगर एक लाख टर्माइट्स है उसमें तो उसमें से वो 80000 रे फिर 70000 ही खाएगा बाकी के छोड़ देगा उसको और फिर वहां से आगे चला जाएगा और जब वो रिटर्न आएगा जब तक कि वो पूरे कॉलोनी पहले फिर से रिट्रीट ना हो जाए मतलब ये जो सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि हम वो पूरा खत्म नहीं करते हैं उसको हमें मतलब हमें भी जो मतलब इंसान जिस तरीके से एक्सप्लॉटेशन कर रहा है कि हम लोग सीधा ही खत्म कर देते हैं उसका कोई सस्टेनेबिलिटी का मेंटेन ही नहीं कर रहे लेकिन पैंगोलिन ऐसा नहीं करती है वो किसी कॉलोनी के सारे कॉलोनी को डिस्टर्ब नहीं करती है वो कुछ मतलब अराउंड अराउंडी सिक्सटी परसेंट ही आ, इसको टर्माइ्स को खाती है और फिर आगे मूव ऑन हो जाती है और फिर आगे टर्माइट के माउंट को ढूंढती है और ऐसे घूम घूम के जिस एरिया में फिर जब यहाँ की कॉलोनी फिर से रिस्टोर हो जाएगी फिर उतने टाइम में वो वापस आता है तो उसके बेस पे उसकी होम रेंज और बाकी की उसकी एक्टिविटी डिपेंड होती है और इस टाइम पे वो क्या करता है कि उसके जो लिविंग बोरोज होते हैं काफी मतलब रिमोट एरियाज में हाई एल्टीट्यूड मतलब हाई एरियाज में होते हैं वो आप, आप लोगों को आगे भी मैं दिखाता हूँ तो वो उस टाइम पे उसको जाता नहीं है उस एरिया लिविंग बोरोज मेरे निकले तो इसलिए वो टेम्प्रेरी बोरोज बनाता है जिसको फीडिंग बोरोज बोलते हैं अगर आप लोग ये देख रहे होंगे तो ये सब फीडिंग बोरोज है जिसमें बाहर ये टर्माइन माउंट का ये जो उसके रिमेन्स दिख रहे हैं आप लोगों को और ये लिविंग बोरोज है मतलब उसका बहुत यूनिक होता है एक सर्कुलर टाइप का है ना ये देखिए आप को इस इसमें आप लोगों उसके सारे जो होते, है, होते हैं बहुत ही सर्कुलर घुमा के, किया हो उससे, ऐसे के। <coughs> और उसका जो सॉइल डिगिंग पैटर्न भी होता है काफी अलग तरीके से होता है मतलब वो क्या करते हैं कि अगले पैर से वो पीछे के सॉयल लेके फिर पिछले पैर से वो ऐसे करती है बाकी के जो कंपेरिटिवली जिनके साथ नॉर्मली कन्फ्यूजन होता है जो लोग रिसर्च कर रहे होंगे जो फील्ड में जिन्होंने काम किया वो लोग जिन्होंने बोरस देखे होंगे तो इसका बोरस के साथ नॉर्मली पार्क्यू के बोरस के साथ उसका बहुत कंफ्यूजन होता है है ना कि भाई मतलब जिस एरिया में पार्क्यू मिलता है उसी एरिया में पैंगुलिन भी मिलता है और मतलब हमने एक थ्रेड असेसमेंट कर रहे थे तो उसमें हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली थी लोकल लेवल पे जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं या फिर मैंने एमपी में देखा मैंने वेस्टर्न घाट के बाकी के अदर एरियाज में देखा ियन लोकल ट्राइबल्स की टारगेटेड पोचिंग स्पीसीज नहीं है है ना लोग टेंगोलियन को मारने के लिए कभी जंगल में नहीं जाते उनकी टारगेटेड स्पीसीज है वाइल्ड बोर और पार्क्यूपाइन है ना आप लोगों को भी पता होगा कि पूरे इंडिया में वो पैटर्न मुझे लगता है कि हर जगह पे मिलेगा कि जो भी लोकल्स का जो ओन कंजम्शन के लिए जो मारा जाता है जो उनके टारगेटेड स्पीसीज है वो वाइल्ड बोर है और पार्क्यूपाइन सु लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि पार्क्यूपाइन और पैंगोलिन ये दोनों एक ही हैबिटेट को शेयर करते है ना कि और, और उनके बोरोज भी काफी जगह पे मिलते जुलते और सेम रहते हैं और जो पार्क्यूपाइन को मारने के लिए जाते हैं वो के के चक्कर में उनको पैंगोलिन मिल जाता है और वो पैंगोलिन को मार देते हैं और ये मेन रीजन है कि भाई पैंगोलिन का जो पोचिंग में कहीं ना कहीं पे वो पार्किूपाइन का वजह से वो चीजों को लोग मतलब एक्सीडेंटल बोलिए या फिर ओपी लेकिन फिर भी उनके लिए वो एक गुड लक समझ लेते कि भाई हम कुछ और ढूंढने आ गए थे हमें पैंगोलिन मिल गया और वो मिल गई तो वो अगर पैंगोलिन अगर उनको जंगल में मिल जाता है या फिर उनको दिख जाती है तो उनको वो मरना ही उसको क्योंकि वो भाग नहीं सकती उसके पास कोई ये ऐसा ये स्पीड अप नहीं है तो ये उसके बरो जो पार्क्यूपाइन क्या करती है कि जब वो ब, अपना ब, ब, बरो डिग करती है तो ऐसे कैनल जैसे सॉइल का एक पैटर्न बनाती है लेकिन पार्क उसके ना एक चूहे के चूहा जैसे अपने को ऐसे बाहर स्टोर करता है वैसे पैंगुलिन भी करती है और उसका जो ये जो होता है लेंथ उसकी जो विड्थ होती है इसकी अराउंड ट्वेंटी टू थर्टी फाइव सेंटीमीटर की होती है मतलब कि उसको बाकी के साथ भी काम नहीं कर सकते है, अलग होता है ना या फिर रैट्स वगैरह का भी उनका अलग अलग ये होता है और जितने भी पैंगुल्स के जो बरोज मिलते हैं उनके अंदर वो उसके नेल्स के आपको मार्क्स मिलेंगे क्लॉ मार्क्स मिलेंगे अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे सब क्लॉ मार्क्स है और उसके नॉर्मली फीडिंग बोरोज अगर एक्टिव फीडिंग बरोज है या फिर रिसेंटली उसने यूज किया कि नॉर्मली क्या होता है कि पैंगोलिन वो अबेंडेंट बरोज आपको बहुत ज्यादा मिल सकते हैं क्योंकि उसका लाइव और एक्टिव बोरोज क्योंकि वो छोड़ देती है मतलब एक जगह पे बहुत कम टाइम रहती है वो का हमेशा मूव ऑन करती रहती है आगे आगे वो माइग्रेट अपने एरियाज में घूमती रहती है लेकिन जो रिसेंटली ले उसने छोड़ा हुआ जो भी कुछ आपको बरोध मिलेगा तो उसके बाहर ऐसे उसके फीडिंग के रिमेंस मिलेंगे ये बाकी के इनडायरेक्ट साइंस है पैंगोलिन के तो ये नॉर्मली ये मिलते नहीं है है ना कि पैंगोलिन वैसे ही उसका कोई टाइगर या फिर बाकी के बिग गेम्स सॉरी बिग जो प्रज है या बिग कैट स्पीसीज है वो हमेशा ट्रे को फॉलो करते लेकिन पैंगोलिन कहीं से भी चलता है है ना, ना तो उसके ट्रैक से फुट मार्क्स वगैरह मिलना ये मतलब फुटप्रिंट्स मिलना बहुत मुश्किल है <coughs> उसकी स्कैट भी एक काफी आइडेंटिफाइड होती है लेकिन जिस एरियाज में आ, कुछ लोग अगर काम कर रहे होंगे जिस एरिया में भालू वो के साथ काफी टाइम पे कंफ्यूज होता है क्योंकि दोनों का अगर आ, उसका माइक्रो लेवल या फिर अच्छे तरीके से हो और लॉन्ग टर्म कोई काम करता है तो ईजिली आइडेंटिफाइड हो जाती है लेकिन जो मतलब ऐसे शुरू शुरू में देखेगा तो स्लॉथ बेयर की स्कैट में और उसके स्कैट में काफी सारा कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों के इसमें ये भी उसमें स्लॉथ uh, बेयर के इसमें मिट्टी और कई बार इंसेट के रिमेन्स मिलते हैं और पैंगुलिन के स्कैट में हमें हमेशा एंट और इसके हेड के वगैरह रिमेन्स मिलते हैं बाकी सब इसमें तो उसके बेस पे हम लोग उसको आइडेंटिफाइड करके ये करस, करते हैं तो मैंने पहले बोला कि वो नॉक्चर न ले उसका लोगों हम लोग इंसानों के साथ कोई संबंध नहीं है वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी दुनिया में खुश रहे है ना तो वो उसका बेसिकली यही ये यह होता है कि उसका एक एक्टिविटी टाइम होता है कि वो रात को के लिए निकलती है और ये सब ये आप लोगों को इस पे भी मिल जाएगा मिल जाएगा ये इंटरनेट पे कि उसका फुल टाइम किस में वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है पानी पीने में बोरोस खोदने में ढूंढने में या फिर मेटिंग अगर रिप्रोडक्शन सीजन है तो उसका पूरा एक टाइम उसका एक लाइफ मतलब डिफाइंड है वो उसको ट्रैक छोड़ के ऐसे मतलब उसके बाहर जाती नहीं है और हमेशा ये कोशिश करते कि वो इंसान दूर रहे है ना लेकिन कुछ कुछ एरियाज में ह्यूमन सेटलमेंट के बाहर एरिया पैंगुल अगर आप वो वीडियो देख नहीं पाए वो जो रेस्क्यू किया था बिल्कुल खेत के बाहर मतलब खेत में घर था उसके बिल्कुल वो पीछे हमें उसका वो मिली थी वहां से उसको रेस्क्यू किया था तो हमें जब मिली वो फुल ग्रोन थी रेस्क्यू उसको नजर में आया इसलिए हमें रेस्क्यू करना पड़ा लेकिन वो काफी सालों से वहीं पर रह रही थी वो उसका घर ही था मतलब उसका एबिडाट ही था लेकिन वो नजर में आने की वजह से उसको वहां से रिलोकेट करके उसको एक पी में छोड़ना पड़ा तो वो ऐसे उसका एक एक्टिविटी टाइम होता है उसमें नॉर्मली उसका एक टाइमिंग जो uh, किया गया है कि ऑब्जर्वेश uh, इस टाइम में वो बेसिकली रा, रात में हमेशा एक्टिव होती है और दिन में हमेशा उसका ये रिलैक्स uh, टाइम uh, होता है सोशल बिहेवियर हाँ? में अगर हम देखें जितने भी पैम्बुलेंस के अभी तक साइटिंग्स है या फिर जितने भी फोटोग्राफ्स मिले जितने भी हमें वीडियोस मिले वो हमेशा पैम्बुलेंस अकेले ही मिले मतलब सोलिटरी ही है वो और सिर्फ मेटिंग पीरियड में मानते हैं कि वो शायद पेयर में और बाकी उनका मतलब भले वो सॉलिटरी रहती होंगी मतलब वो सॉलिडरी है बट दे आर नॉट अलोन मतलब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकिन फिर भी इसके ऊपर बहुत काम हुआ है कि भाई ये लोग कैसे एक दूसरे के स्पीशीज के साथ मतलब नेबर के साथ या मेल फीमेल का एक कम्युनिकेशन का वे क्या है लेकिन हम लोग मतलब जो भी अभी जो आ, कुछ पेपर से कुछ लोग के ऑब्जर्वेशन से उनके बेस पे ऐसे बोलते हैं कि ड्रॉपिंग्स या, या यूरिनेशन के या कुछ सीक्रेशंस होते हैं उसके बेस पे लोग अपने टेरिटरी या फिर आ, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं उस, उस केस में और इसी बेस पे वो शायद अपने ट्रेडरी भी डिफाइन करते अलग अलग रखते लेकिन उसका आ, मतलब उसका कोई या फिर उसका कोई कॉल वगैरह ऐसा बहुत ऐसे अभी तक ऐसा बहुत स्पेसिफिक बताया नहीं गया सुना है लेकिन जो भी काम हुआ है थोड़ा बहुत की हिसिंग टाइप का उसका एक ये आता है ये होता है लेकिन जब हमने उसको रेस्क्यू किया था वो जब अपने आपको बॉल में जब क्लोड करती थी तो वो क्या करती थी कि वो अपने जो जो स्केल्स थे एक दूसरे के ऊपर ऐसे वो घिसती है और उससे वो ऐसे क्रशिंग टाइप का एक कॉल आता है मतलब मुझे मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है मतलब ऑब्जर्वेशन है कि शायद वो जैसे कुछ स्नेक्स होते हैं स्नेक कभी कभी नॉन पॉइजनस होते हैं लेकिन फिर भी वो डराने के लिए अपने आप को ऐसे बड़ा करते जैसे कोबरा वगैरह हुड बनाते हैं लेकिन अगर ग्रीन ग्रास स्नेक वगैरह देखोगे तो वो वैसे कि फिर किसी को डराने के लिए ऐसे खुद को ऐसे फुला लेते हैं तो शायद पैंगुल भी अपने प्रीडेटर को दूर रखने के लिए बॉल होने के बाद वो ऐसे उसको ये करती है एक दूसरे के ऊपर घिसती है आवाज आती है और उसे शायद वो लोग अपने प्रीडेटर को दूर रख सकते है so, सो <coughs> अभी जो भी कुछ हुआ है मतलब काम हुआ है उसके बेस पे ऐसे मानते हैं कि उसका रिप्रोडक्शन में मोस्टली एक ही वो उसका ऑफ ये होता है लेकिन एक या दो का उनका बर्थ रेट को उन्होंने अभी तक रिकॉर्ड किया गया है और काफी दिन तक बच्चा जो बोरो होता है बोरो में रहता है और कुछ एक हफ्ते के बाद वो उसको बोरो से निकाल के अपने पीठ के ऊपर या फिर अगर आप लोग फोटो में देख रहे हो ये चाइनीज पेंगुलिन इंडियन पेंगुलिन है ये अपने पीठ के ऊपर या फिर टेल के ऊपर उसको बच्चे को लेके घूमती है लेकिन कई बार मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता कि इस टाइम पे अगर वो किसी पोचर्स के या फिर प्रेडेटर के हाथों में आ जाती है तो उस टाइम पे वो तो रोल क्या लेती है पर कई बार वो बच्चा काफी वीकड़ हो तो जाता है तो वो खुदेंस नहीं कर पाता लेकिन जब उसके ऊपर कवर आ जाए ऐसा मतलब तो एक सॉरी तो वो लाती है और उसी टाइम पे वो बच्चे ज्यादा मतलब उसको फेस करते है इसको थ्रेड अभी तक हमें मतलब हम हम लोग लोग हमारे स्टडी स्टडी एरियाज़ में जो पे कर रहे हैं हमें तो अभी तक कोई भी आ, आ, फोटो नहीं मिला है कि किसी बच्चे के साथ पैंगोलिन का या फिर किसी पर्टिकुलर सीजन में लेकिन ऐसा माना जाता है कि पैंगोलिन का थ्रू आउट द ईयर होता है सिवाय मई और जून में उसका कम रिकॉर्ड रिकॉर्डेड है और ऐसे भी माना जाता है कि सॉरी ऐसे भी माना जाता है कि जब बच्चा जब साथ रहता है तो तीनों मतलब मेल फीमेल मतलब मम्मी पापा और बच्चा साथ साथ में एक बोरस को भी शेयर करते हैं और थोड़ा बोरोस के डिटेल में बताऊँ तो मतलब नॉर्मली उसकी बोरोस तो सिंगल मोस्टली मैं हमने जहाँ पे भी स्टडी किया है फीडिंग नॉर्मली सिंगल ओपनिंग्स के होते हैं लेकिन उनके बहुत सारे जो लिविंग होते हो, काफी मल्टीपल ओपनिंग होते हैं मतलब एक एक मेन ओपनिंग होती है उसके बाद दो या तीन होते कि मतलब अगर कोई इस साइड से आए तो इमरजेंसी में एग्जिट होना चाहिए उनको मिलना चाहिए इसलिए उनके तीन चार ओपनिंग्स वाले भी बरोज होते हैं और नॉर्मली पैंगोलिन क्या करता है कि जो उसका एक्टिव बरोज है तो वो अंदर जाने के बाद वो डोर को क्लोज कर लेते हैं जो ओपनिंग होती है वो मिट्टी से उसको बंद कर लेते हैं इसीलिए जो रिसर्चर्स वगैरह है पोचर्स मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि पोचर्स शायद कई बार रिसर्चर्स से काफी आगे होते है वो कई बार हमसे भी पहले ढूंढ लेते लेकिन हमें कई बार उनको ढूंढने में काफी मुश्किल होती है कि वो बरोज एक्टिव होते कई बार हम लोग बरोज को ही ढूंढ नहीं पाते जो एक्टिव बरोज है क्योंकि वो इस तरीके से उसको क्लोज कर लेते कि उसको कोई देख ही ना पाए मतलब मैं थोड़ा टाइम की वजह से स्पीड अप कर रहा हूँ कुछ कुछ चीजें छूट गई होंगी तो हम लोग शायद डिस्कशन में आ, और डिस्कस कर लेंगे तो ये सब चीजें कि उसका 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 थ्रेट बिहेवियर चीज उसका लेकिन अब हम लोग दो मिनट ये समझते हैं कि क्या फर्क पड़ता है चलिए वाइल्ड लाइफ से या फिर जंगल से या फिर अपने इकोसिस्टम से खत्म हो गया तो किस क्या फर्क पड़ने वाला है

हमें मैंने पहले बोला कि मतलब वो वो से और वो और को ही खाता है तो मैंने खुद देखा है है कि हमारे हमारे में पे ये की population बहुत ज़्यादा इतनी ज्यादा है कि जिस एरिया में मतलब हमने दो वहां पे जब एक्सी की है ना कि हमारा खुद का ये आउटकम्स है कि जिस एरिया में हमें पैंगोलिन मिला और एक दूसरे एरिया की जहां हमें पैंगुल्स नहीं मिला लेकिन दोनों जगह पे हमें इनसेट का प्रेजेंस मिला है है ना कि मतलब सॉरी और uh, का ये मिला है तो जिस एरिया में पैंगुलिन नहीं था उस एरियाज में हमने जो जिंदा पेड थे जो लाइव ट्रीज थे उसके ऊपर भी हमने इसकी ग्रोथ देखी थी टर्माइट्स uh, की और जिस एरियाज में पैंगुलिन रहता है उस एरियाज में उसकी पॉपुलेशन काफी कंट्रोल थी मतलब आप समझ लीजिए कि टर्माइट्स की पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा हो जाती है फॉरेस्ट इकोसिस्टम सिस्टम है कि इको में हर एक का रोल बहुत मैटर करता है ऐसा नहीं कि टर्माइट्स का भी नहीं है उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है कि, कि किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए लेकिन कोई चीज जब आगे जब बढ़ जाती है फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई तो इसीलिए हम जो भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे तो अगर वही फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी किसी स्पीसी पर्टिकुलर स्पीसी का पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो उसका इम्पैक्ट अदर चेन पे होता है तो अगर पेंगलुन को अगर हम इकोसिस्टम से निकाल लेते हैं तो सेम टाइम पे इनकी टर्माइट्स की पॉपुलेशन और इनसे की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि क्या पता शायद वो पूरे फॉरेस्ट हैबिटेट को डिस्टर्ब कर दे है ना तो इसमें वो कंट्रोल करने के लिए पैंगुलिन काफी इम्पोर्टेंट ये करता है और ये हमेशा मतलब ढूंढने के लिए हमेशा ऐसे सॉइल को ऐसे चेक करती रहती है और बरूस बनाती रहती है तो ऐसा माना जाता है कि उसके वजह से सॉइल में एरिएशन मॉइस्चर और मतलब सॉइल क्वालिटी बहुत अच्छी रहने में काफी इम्पोर्टेंट होता है वो उसका ये करती है मतलब अनकंडीशनली फूड चेन में मतलब ऑपरेटरी मतलब उनके फूड चेन में वो ऑपरेटरी इसमें काफी आ, ये करती है और सबसे इम्पोर्टेंट वो इज अ मेंबर ऑफ द जेनेटिंग बैग कि पैंगुलिन खत्म हो गया तो हम लोग सिर्फ पैंगुलिन को नहीं तो हम लोग एक, एक आ, इस मतलब मतलब धरती पर के पर्टिकुलर एक, एक इसको हम आ, मिस कर जाएंगे मतलब डायनासोरस के साथ हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते लेकिन डायनासोरस काफी जनरल टर्म है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे डायनासोर खत्म हो गए आज हम सिर्फ उनको फोटोग्राफ्स या फिर एनिमेशन या फिर इमेजनरी फिल्म में देख रहे वैसे हम लोग शायद पैंगलिन को देखेंगे अगर उसका कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन नहीं हुआ तो तो मैं टाइम बहुत कम है तो मैं सिर्फ रैपिडली मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ एक पाँच मिनट में कि ये हमारा ऐसे हम लोग उसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं तो बेसिकली शंकर में आप लोगों को बताया कि हम लोग काम कर रहे हैं भीमा शंकर वैल्यमश महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स में आती है नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स में तो ये प्रोजेक्ट हमारा प्रकृति रिसर्च फेलोशिप मतलब मुझे मिली हम उनके साथ मिलके और स्टैंडिंग फॉर टाइगर्स फाउंडेशन हम सब लोग मिलके इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिसपे हमने ग्रिड बेस्ड करके आ, कुछ स्टडी किया था तो उसमें हमें टोटल 36 मतलब अराउंड 60 प्लस ग्रिड्स थे जिसमें से हमें 34 फोर ग्रीड्स में उसका प्रेजेंस मिला था तो ये हमारे सैम्पलिंग रूट से और ये जब अगर लाल डॉट्स अब रेड डॉट्स अगर आप लोग देख रहे हो ये सारी जगह पे हमें पैंगोलिन का प्रेजेंस मिला था तो ये सब आउटकम्स में एक शॉर्ट समर रिपोर्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ बाद में तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने एक एक हुआ है एक पूरे हमारे स्टडी का सिर्फ हमारे स्टडी का नहीं जो लोग पैंगोलिन पे काम करना चाहते हैं या फिर पैंगोलिन को समझना चाहते हैं ऐसा कोई जरूर नहीं कि भाई पैंगोलिन को बचाने के लिए आपको रिसर्चर्स ही होना जरूरी है या फिर आपको जंगल ही जाना चाहिए शहर में रह के घर पे रह के भी हम लोग हमारा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अगर हमें एक थोड़ा सा समझ में आ जाए कि मतलब एग्जैक्टली exactly हमें कहाँ पे उसको स्ट्राइक करना है किस तरीके का और मुझे आप लोगों को समझ में आएगा कि सप्लाई चेन उसके थ्रेड्स में कौन-कौन कैसे-कैसे उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है <coughs> तो ये जो है तो पैंगोलियन के मैंने बोला कि वो किसी भी तरह के हैबिटेट में रहते हैं सिर्फ उसको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक तो उसको चाहिए फूड और दूसरा है ना ये दोनों चीजें मिल गए तो किसी भी हैबिटेट में रह सकता है लेकिन वो किसी भी हैबिटेट में रहे लेकिन हमेशा वो यही कोशिश करती है कि उसके जो बर्ड होते हैं वो हमेशा थोड़ा सा स्लोप पे बनाती है है ना अगर आप लोग ऐसे देख रहे होंगे तो मैंने ये दो फेजेस में किया है अगर वो देखोगे तो हमने पूरे हमारे लैंडस्केप को तीन इसमें किया हुआ है प्लेन जेंटल स्लोप और स्टिप स्लो उसमें और अलग अलग हैबिटेट में हमने उसका देखा है तो हमने ऐसे ऑब्जर्व किया कि उसके जो लिविंग बरोज होते हैं वो हमेशा स्टिप स्लोप पे ही मिलेंगे मतलब काफी ऊंचाई पे जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत कम है जहाँ पे लो डिस्टर्बेंसेस है इवन प्रेटरी भी बहुत कम है और फिर उसके बाद वो उनके जो फीडिंग फॉरेस्ट होते हैं इस एरियाज में जो काफी डेंस फॉरेस्ट या मिक्स टाइप का फॉरेस्ट होता है जहाँ पे टर्माइट्स माउंट का डेंसिटी बहुत ज्यादा है मतलब जहाँ पे आपको टर्माइट्स मतलब जहाँ पे फूड अवेलेबल है वहीं पे उनके फीडिंग बोरस मिलेंगे सॉरी वही पे आपको वो फीडिंग मिलेंगे और जिस एरियाज में भी फीडिंग मतलब जिस एरिया में फूड नहीं है उस एरिया में उनकी आक, मतलब एक्टिविटी बहुत कम है कार्य मतलब स्टॉबिलेंथस आप लोगों को पता होगा कि एक वीड्स नहीं बोल सकते मतलब नॉर्मल लोग उसको वीड्स में वो टर्म यूज करते हैं लेकिन <coughs> ये श्रब्स या फिर वो ग्रास कैटेगरी का, में आएगी कार्विस्ट मतलब कैलेटस वो एक दो तीन स्पीसीज मिलती है यहाँ पे तो काफी वेस्टर्न घाट में वो का, काफी कॉमनली मिलती है तो कुछ लोगों का मानना है कि उसको इरेडिकेट करना चाहिए ऐसे मतलब कुछ लोगों के ओपिनियन सा है लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो काफी सारे स्पेशल पैंगोलिन का छोड़ दीजिए पैंगोलिन तो जितने भी स्मॉल बर्ड्स हो या फिर स्मॉल हरब स्पीशीज है बार्किंग डियर माउस डियर उन सब के लिए बहुत अच्छा हैबिटेट है तो उस एरियाज में भी क्योंकि वहां पे वो काफी डेंस होता है वहां पे लोग अंदर जा नहीं पाते और उसके बाद से उसको अच्छा शेल्टर उसका हाइड मिलता है उस एरियाज में भी वो अपना फीडिंग बोर्स बनाती है तो ये हमें एक थोड़ा पैटर्न मिला था और इसी तरह का पैटर्न किसी भी हैबिटेट में है, मुझे लगता है एक जनरल कि ऐसा ही आ, मिलेगा आप लोगों को लेकिन कुछ कुछ कभी कभी कुछ जोग्राफिकल या फिर कुछ इन्वायमेंटल फैक्टर्स लैंडस्केप हिसाब से चेंज होते हैं तो थोड़ा सा पैटर्न कम ज़्यादा हो सकता है उसके अलावा भी मैंने पहले बोला ना कि मैं कितना भी रिसर्च कर लूँ हम लोग कितना भी कर ले, लेकिन अनलेस अनटिल मैं अपने काम को मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं अभी तक मतलब देवी दत्ता ने अगर आ, हम मुझे इनवाइट नहीं किया था आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए शायद मैं इतना आप लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाता था अगर नहीं पहुंचा पाता था तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो काम सिर्फ मेरे तक ही लिमिट में रहता था और शायद इस को एक्चुअल में जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था तो अभी हम लोग का डिस्कशन जो भी मैंने जो भी आप लोगों को बताया तो मुझे लगता है कि पॉइंट वन परसेंट भी अगर आप लोग तक है तो कहीं ना कहीं भी हम जो भी काम करें जो भी हम ऑब्जेक्शन से आप लोगों तक पहुंचे तो उसी बेस पे इसी मेंटेलिटी के साथ हम लोग जो भी काम करें हमारे एरियाज में वहाँ के जो भी कुछ बच्चे स्कूल के तो उनके लिए हम लोग एक प्रोग्राम कैरी आउट कर रहे हैं निसर्ग आराधना नाम का तो उसमें हम लोगों ने जो भी कुछ आश्रम स्कूल है नॉर्मली क्या होता है कि हमारे मतलब हमारे बाकी कहीं पर भी लोकल ट्राइबल्स उसकी पोचिंग बहुत करते हैं तो उनके हम इस जनरेशन को चेंज नहीं कर पाएंगे लेकिन क्या पता अगर हम लोग आने वाली जनरेशन को अगर उसको बताएंगे तो शायद उनके मेंटेलिटी में थोड़ा फर्क आता है और हमने देखा है ना मैं आप लोगों को फ्रेंकली बताता हूँ कि जब मैंने पहला हमने सेशन लिया था तो सबको मैंने पेंगुलिन का फोटो दिखा के बोला था कि आपने पेंगुलिन को देखा है क्या मैं पिछले दो ढाई साल से जब काम कर रहा हूँ मैंने पैंगुल को एक बार ही वाइल्ड में देखा है लेकिन जब मैंने बच्चों को पूछा था, तो अराउंड थर्टी परसेंट बच्चों ने हाथ ऊपर करके बोला कि उन्होंने देखा है को और सारे बच्चों ने 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 बोला था कि उनके काका ने, उनके काका पापा किसी किसी मार के पकड़ के ऐसे लाया था उन्होंने तो मतलब मैं ये बताने बताया कोई कहूँ कि उनका जो डेटा था ये काफी अनबायस्ड और जेन्यन डेटा होता है कि उनको कुछ है ना कि प्लस माइनस पापा ने वो कुछ नहीं देखते वो सिर्फ वो मतलब नॉर्मली बात करते बच्चे तो वो सारे बच्चे तो जब हमने उसको बताना शुरू किया तब उनको को रियलाइज हुआ और मतलब जो हमने 10-12 बार हमने सेशनस लिया उसके बाद वो बच्चे बता रहे थे कि नहीं हम भी बताएंगे हमारे गाँव में जा बताएंगे और फॉर्चुनेटली महाराष्ट्र स्टेट में एट्थ क्लास को मराठी सब्जेक्ट में पैंगुलिन का एक सब्जेक्ट था तो हमें थोड़ा कनेक्टिविटी करने के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ और हम लोग अराउंड मोर देन मतलब ट्वेल्व हंड्रेड बच्चों तक हमने इस प्रोग्राम को लेके गए और उसके ज़रिए हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ किया हमने ना प्रेजेंटेशन या फिर आ, फोटो एग्जिबिशन हो क्योंकि सिर्फ वाइल्ड लाइफ जब हम लोग मैं हर दिन लोगों को पैंगोलिन बताऊंगा तो लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा लेकिन पैंगोलिन के साथ साथ जितने भी बायोडाइवर्सिटी है हमारे स्टडी एरिया में मिलती है हमने सबके बारे में उनको बताया फिर पॉइजनस स्नेक हो नॉन पॉइजनस स्नेक्स स्नेक में क्या डिफरेंस होता है बटरफ्लाई किस तरीके की होती है या शेर का पोटेंशियल क्या है कि कौन सी मतलब बारिश भी होती है मतलब सब चीज़ों को हमने थोड़ा मिला जुला के बच्चों को सम, मतलब समझ में आएगा उनकी लेवल पे जाके उस तरीके का हमने एक सिलेबस डिजाइन करके इस पूरे प्रोग्राम को कैरी आउट किया और इसमें हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला पर अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से हम लोग एंड वाला जो मेजर जो करना था तो वो नहीं कर पाए मतलब आ, हमें कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह लेनी थी और उसमें फिर बच्चों को और थोड़ा मोटिवेट करना था उनको जंगल में लेके जाना था वो नहीं कर पाए फिर उसके साथ साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोल रहा हूँ कि मैं रिसर्चर या फिर कोई भी काम कर रहा है जो लोग वो लाइफ टाइम काम नहीं कर सकते है ना एक एक प्रैक्टिकल चीज है कि मैं यहाँ पे अभी पैंगुलेंस पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे मैं दो साल तीन साल दस साल करूंगा लेकिन मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता इसलिए मैं मुझे कहीं पे तो शिफ्ट होना पड़ेगा तो यहाँ पे कौन लॉन्ग टाइम रहेगा तो वो है फॉरेस्ट मतलब हम उनको कितनी भी गाली दे ले कि भाई कोई करप्शन करप्टेड है वो ध्यान नहीं दे रहे पैट्रोलिंग नहीं करते पोचिंग मतलब वो कंट्रोल नहीं कर रहे <coughs> पर एंड ऑफ द डे वही मतलब लोकल स्टेक होल्डर एजेंसी है डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट की जो ये सब चीजों के लिए रिस्पांसिबल है फाइनली उनको ये सब चीजें करनी इसलिए उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करना भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनका पॉइंट ऑफ व्यू और उनको भी बताने की जरूरत है कि भाई ये स्पीसीज हमारे एरिया में मिलती है उसको भी उतना अटेंशन मिलना चाहिए उतना उतना ही हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए जितना कि हम लोग सारे मतलब समिति के काम हो या फिर कोई इकोनॉमिकल एक्सचेंज वाले काम हो या फिर बाकी के वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट वाले काम हो या फिर जो भी कुछ उनके जो जो उनके प्रायोरिटीज है उसमें इस पीसीज को बचाना भी उतना प्रायोरिटीज वाला है इसीलिए हमने इसके लिए दो कैपेसिटी बिल्डिंग के दो मॉडल डेवलप किए थे डिपार्टमेंट के लिए उसमें एक साइंटिफिक वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग का एक रखा था जिसमें वाइल्ड लाइफ मतलब सिर्फ पेंगोली तो सारे वाइल्ड लाइफ को कैसे तो मॉनिटर करना है लैंड ट्रांजिट हो या फिर कैमरा ट्रैपिंग का कैसे यूज करना है बाकी स्पीशीज के प्रेजेंस वगैरह वो देखने के लिए और उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट का हमने ट्रेनिंग किया था तो उस लॉ एनफोर्समेंट के ट्रेनिंग में मतलब यही था कि बहुत बार ऐसे होता है कि मतलब कोई पोचिंग के केस मिलते हैं तो स्टाफ बहुत सारा स्टाफ यंग स्टाफ होता है उनको लॉ uh, एनफोर्समेंट के बहुत सारे एक्ट्स पता नहीं होते उनको प्रोसीजर ने पता होती है कि फाइल कैसे कंप्लेंट करनी है या फिर uh, मतलब uh, मतलब केस स्टडी कैसे करना है उसका के, मतलब वो पीआर कैसे इशू करना है उसका जो भी कुछ उनके जो लिमिटेशंस थे जो भी अपने लो पूल से नॉर्मली क्या था कि कई बार केसेस ढूंढे जाते हैं पकड़ी जाती है लेकिन जब वो कोर्ट में जाती है लेकिन खराब डॉक्यूमेंटेशन की वजह से उसको एक फायदा होता है अपने स्टाफ को अक्यूस्ड को और उसको एक तो बेल मिल जाती है या फिर वो छूट जाता है तो हमारे जो है जो हमारे कमियां हैं उसको दूर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग इंटेलिजेंस के साथ साथ हमारा जो एक आ, जो एक लीगल सिस्टम है जो कंसर्न एजेंसी है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करना भी उतना इम्पोर्टेंट है अगर एक गलत चीज भी अगर हम कहीं पे लिखते हैं तो वो उसके सामने वाले के लिए वो क्रिमिनल के लिए वो अक्यूज के लिए उसका बहुत उसके प्लस पॉइंट होती है और उसका वो आ, ये करके प्रॉफिट लेके फिर उस चीज से वो बाईपास करके अपने आपको बचा सकते हैं तो ये सब चीजों के लिए ये सब चीजों को हम मतलब थ्री डिग्री में अप्रोच करके हमने इस प्रोजेक्ट को कैरी आउट कर रहे और इसके जरिए से हमने लॉ इन्फोर्समेंट का ये ट्रेनिंग किया था उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ रिसोर्स मटेरियल भी डेवलप किया है ये सब मैं आप लोगों को मैं देवादित्य के साथ शेयर करूंगा तो वो उनके आपकी ईमेल आईडी पे ये आपके साथ भी वो शेयर कर लेगा तो ये कुछ पैम्पलेट्स है और हमने हर आदमी को पता होना चाहिए कि पैंगोलिन को मारना फैट ये तो ये है थी कि मैंने जब हम लोग रिकनेक्शन सर्वे कर रहे थे लोगों को तो ये पता ही नहीं है है ना कि आप पुणे के बॉम्बे के या फिर किसी भी दिल्ली के आदमी को पूछ लो कि भाई पैंगोलिन को मारना मतलब ये गुना है कि नहीं है तो उनको पता ही नहीं कि भाई ये शेड्यूल वन है ये प्रोटेक्टेड स्पीसीज है उनको लगता है कि बस ये कॉमन स्पीसीज है मतलब मैं तो बोलता हूँ चीटी को मारना भी गलत है इथिकली है ना बट मैं बोल रहा हूँ कि एक, मतलब एक लीगल सिस्टम से हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से की प्रोटेक्टेड है और इसको अगर हम पोच करते हैं इसको इसको या फिर उसको मारने की कोशिश भी करते हैं तब भी हमें कम से कम तीन साल की और ज्यादा से ज्यादा साल की सजा हो सकती है ये लोगों तक तो पहुंचना चाहिए इसलिए हमने लो, उन, मतलब लोकल लैंग्वेज में उसके फायदे मतलब अगर आप अगर मराठी अगर आप लोग पढ़ नहीं पा रहे होंगे तो ये ये साइड में हमने उसके फायदे बताया है कि पैंगलिन का इम्पोर्टेंट क्या है इसमें और इस साइड में ब्लैक साइड में बताया कि इसको मारोगे तो आपको क्या सजा हो सकती है तो so, दोनों प्लस माइनस सिर्फ उसको डराना नहीं है तो ये स्पीसी इंपॉर्टेंट भी है हमारे इको के लिए ये दोनों को चीजों को मिक्स करके हमने एक बैनर बनाया कि हर गांव में फॉर हर फॉरेस्ट ऑफिस में स्कूल्स में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था और ओवरऑल इस तरीके से हमने पूरे इसको कैरी आउट किया है तो शायद मैं अपने टाइम से थोड़ा आगे चल रहा हूँ तो सॉरी देवे दे दत्या दे सुन रहे हो ना we can can all hear hear the participants can hear, I think yeah sorry so, thank thank you you okay okay no, haa, okay okay ppt sharing okay. so मतलब इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन था और आपका जो काम है वो अपने आप में इतना ज्यादा है कि मेरे ख्याल पूरा दिन भी आप बोलेंगे तो कम पड़ जाएगा <laughs> लेकिन जो बदोही बात बताई उसमें से बहुत ही इंफॉर्मेटिव था मतलब कई चीज़ें तो मुझे मालूम भी नहीं था इसके बारे में और इससे पहले कि मैं लोग मूव करूं मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूंगा जैसे आप बीच में बोल रहे थे कि जब बच्चे से काम कर रहे थे बच्चों ने बोला कि फोटो दिखा के जो भी है तो ऐसा ही एक्सपीरियंस हमारे साथ भी हुआ हम मिर्जापुर में पिछले दस सालों से काम कर रहे हैं वहां पर लेकिन हमें खुद नहीं मालूम था कि पेंगुल वहां पर है तो सुधांशु है मेरे साथ में सुधांशु मेरा है काम कर रहा है तो हम लोग जो है भालू के लिए भालू और उसके लिए एक एक, एक हम लोग कुछ अवेयरनेस करने गए तो हमने ऐसे ही बताया कि देखो ये एनिमल डाइवर्सिटी क्या है यहाँ पे तो हमने उनको फोटो दिखाया उसका जो वो रिवेट का तो एक बच्चे ने बोला कि कोहट कोहट होता है मैंने कहा कोहट क्या होता है तो जो लोकल जो वॉचर होता है उसने बोला कि कोहट साहब वो होता है जो बिल्ली ऐसी होती है लेकिन उसके बहुत सारे बॉडी में जिसके उसके बदन में वो छोटे छोटे वैसे बने नाखून बने होते हैं तो हमने बहुत सारे फोटो दिखाई तो पेंगलुन दिमाग में था नहीं हमने उनको बहुत सारे फोटो इधर उधर दिखाया जब पेंगलुन दिखाया तो बोला कि यही है तो बच्चे ने बोला कि यार ये तो बहुत मिलता है सब आसपास तो बच्चे ने बोला हाँ हमने भी देखा ये, ये था है ये लो तो लोग था पकड़ते हैं इसको बेचते भी हैं कुछ पहन लेते हैं उसको बना के तो पहली बार हमें मालूम चला कि वहाँ पे पेंगुलिन मिलता है और जब मालूम चला दो महीने के बाद ही डब्ल्यू सी ने एक रेड मारा था उसमें छह या सात पेंगुलिन जिंदा पकड़े गए और गाड़ी में उनका बहुत बड़ा सिंडिकेट था जो गाड़ी में वो लोग जो है मिर्जापुर सोनम पकड़ के जो है बनारस लेके गए थे बेचने के लिए

नहीं आपको एक थोड़े दो मिनट में एक, एक बहुत फनी है मैंने एक सी एस आर के लिए अप्लाई किया था मेरे प्रोजेक्ट के लिए तो मैंने बोला था कि पैंगोलिन के ऊपर पैंगुल कर रहा हूँ तो पता नहीं उसके सुनने में एक प्रॉब्लम था था कि क्या उसने मुझे तीन चार बार कॉल हमारा हुआ वो पैंगोलिन वो पेंगुइन पेंगुइन बोलता था और बोलता था पेंगुइन आपके यहाँ मिलता है क्या मैं मुझे मुझे भी क्या लगा कि शायद इसके मतलब शायद सुनने में उसमें तो मैंने कहा कि ठीक है जब मैं उसको फेस टू फेस जब मैं उसको प्रेजेंटेशन देने के लिए गया

ओ, सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था तुषार सर हेलो सॉरी बोले, बोले। हाँ, हाँ, सर सुन एक्चुअली जब बेबी बॉर्न होता है पेंगोलिन का तो उसके बाद में उसकी जो माँ होती है वो कितने दिनों तक उसको सवार के लिए करती है नहीं नॉर्मली क्या होता है कि मतलब उसका ये जो बिहेवियर स्टडी है बहुत कम हुआ है लेकिन जब वो ऐसे मानते कि जब तक उसके पहले आठ पंद्रह दिन तो अपने बोरोज में ही उसको रखती है मतलब वो जब काफी सॉफ्ट होता है जब बच्चा होता है तो जब उसके ऊपर स्केल्स थोड़े हार्ड होने आ जाए तो वो अपने साथ बाहर लाना शुरू करती है फिर अपने साथ घुमाना शुरू करती है और अराउंड एक साल के बाद बच्चा इंडिपेंडेंट होके शायद वो अलग हो सकता है लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर बहुत जो भी जो मैं ऑब्जर्वेशन बता रहे हो कैप्टिविटी में ही किए गए ऑब्जर्वेशन से वाइल्ड के ऑब्जर्वेशन बहुत कम है मतलब उसके ऊपर और ज़्यादा स्टडी होने की ज़रूरत है। थैंक यू सर। यस yes, वेलकम। हाँ अभिजीत अभिजीत पूछना चाहते हैं कुछ अभिजीत जी आप पूछिए क्या पूछना है? हाय आई वांटेड टू नो एक्चुअली आपका पीपीटी वो बीमा शंकर के टाइम पे दिख uh, नहीं रहा था। बड़े वांटेड टू नो की बीमा शंकर में स्टेटस uh, uh, आपके स्टडीज के हिसाब से क्या है और लाइक वी ऑल नो की लोकल सर मेनली इन्वॉल्वड इन कोचिंग और भले ही सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो right. और सो uh, so, uh, जो आपने बोला कि नेक्स्ट जनरेशन इज विलिंग टू यू नो लाइक चेंज एंड वो आगे जाके शिकार नहीं करेगी बट देन करंट पॉपुलेशन ट्रेंड क्या है और आल्सो वांटेड टू नो की जो पेरीफेरी एरिया है बीमा शंकर का Mm -hmm. जहाँ पे प्रोटेक्शन मतलब इट्स आउटसाइड आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया बिकॉज़ सेंचुरी की बाउंड्री है so, yeah. तो हैबिटेट तो प्लीज सिमिलर है थोड़ा और थोड़े से फार्मिंग है तो वहां पे अगर प्रोटेक्ट करना हो तो क्या अप्रोच होना चाहिए yes. मतलब और सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट आल्सो टू जो आपने स्लाइड्स में बरोस दिखाया इज दैट टू नो द ऑकरेंस और द सबसे पहले तो मैं बताऊँ की मतलब पॉपुलेशन एस्टिमेशन का अभी तक तो अच्छे ऐसे कोई मॉडल्स ही अभी तक नहीं डेवलप हुए पैंगोलिन के ऊपर जिससे हम लोग एक्चुअल में पॉपुलेशन एस्टिमेशन कर सके फर्स्ट थिंग जस्ट लाइक अ टाइगर उसमें दो चैलेंजेस है कि फर्स्ट तो टाइगर की हम लोग पॉपुलेशन एस्टिमेशन इसलिए कर पा रहे हैं कि हमारे कैमरा ट्रैप जो एक सच में हम लोग उसको क्या बोल हैं इन्वेंशन बोल सकते कि फोटो जो उसके इंडिविजुअल टाइप पैटर्न से

अभी तो थोड़ा चैलेंजिंग है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये हो नहीं पाएगा हम लोग भी काफी सारे कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कुछ कर सकते हैं क्या दूसरा हम लोग उसमें ऑकरेंस कर सकते हैं बेस्ड ऑन उसका जो कैप्चर रेट वगैरह बाकी सारी कुछ चीजें उसमें डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ वो लेकिन हमने जो अभी जो जो क्वेश्चन था कि स्टेटस और उसका क्या ट्रेंड है तो प, आ, माशंकर में जितने भी एरियाज में जो नॉन ह्यूमन ऑक्युपाइड एरियाज है नॉन ह्यूमन मतलब उनका प्रेजेंस एरिया है सारे एरियाज में हमें पैंगुलिन के प्रेजेंस मिला है उनके साइंस मिले पहली बार दूसरी बात जो पीएस को छोड़ के जो बाहर का एरिया है तो वहां पे हमने वहां पे डायरेक्ट ऑक्युपेंसी नहीं की लेकिन हम लोग उसके साथ बात करते रहते है ना कि अभी बफर का जो दस पंद्रह स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है भीमाशंकर के बाहर उसमें सॉरी का जो एरिया है उस एरियाज में भी हमने किया तो वहाँ पे भी आ, क्योंकि बाहर रिजर्व फॉरेस्ट है आ, और उसके बाद फॉरेस्ट एरिया खत्म हो जाता है तो उस एरियाज में भी पैंगोलिन का प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है और सबसे इम्पोर्टेंट उस एरियाज में भी हमने जब ऐसे ही हम क्रॉस कर रहे थे मतलब हमारा कुछ एरिया जो है हमें पीएस से उसको नॉन पी को क्रॉस करके फिर से पीएच में जाना पड़ता है तो उस एरियाज में हमें कुछ एक्टिव बरोज मिले थे पेंगुलिन के और मेरे जो असिस्टेंट है जो मेरे साथ काम करते हैं वो भी उसी एरिया से बिलोंग करते थे उन्होंने बोला था कि भाई हमें वहाँ पे भी बहुत अच्छी एक्टिविटी मिली थी तो बाहर पी में भी उसका प्रेजेंस है लेकिन प्रॉब्लम क्या है मैं बोलो कि पी हो या नॉन पी हो या किसी एरियाज में प्रोटेक्शन का जो ट्रेंड है हर जगह पर ऑलमोस्ट सेम है कहीं पर भी मतलब पोचिंग हम एक्सेप्ट करना चाहिए हमें जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाएंगे तो पोचिंग हर जगह पे ओन कंजम्पन के लिए है यहाँ पे हमें कमर्शियल पोचिंग नहीं दिखी अभी तक लेकिन इसको लग के रायगढ़ रत्नागिरी जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें आते उस एरिया से पकड़ के काफी सारा एक बोलते कि सिंडिकेट जैसे कुछ काम कर रहे हैं जो पुणे मुंबई में उनके कुछ कॉन्ट्रेक्टर्स मतलब कॉन्ट्रेक्ट वहाँ पे बेच बेच रहे वो लोग तो ये उसका ट्रेंड है और हमें टोटल सिक्सटी ग्रेड्स में से कारण 34 ग्रेड्स ह्यूमन ऑक्यूपाइड है जिसमें एग्रीकल्चर और विलेजेस एरिया आता है और वो छोड़ के सारे एरियाज में हमें तांगुलिन मिला है विमा शंकर के अपर पार्ट्स में लेकिन सेम टाइम पे विमा शंकर अगर आप मतलब आपके बोलने से लग रहा है कि आप विमा शंकर के इससे काफी फैमिलियर होंगे तो जो नीचे वाला जो मुंबई साइड वाला जो कोंकण वाला जो पार्ट आता है वो काफी छोटा एरिया था विमा शंकर का उस एरियाज़ में हमें कहीं पर भी पैंगुलिन की ना साइटिंग हुई ना ही किसी अदर वाइल्ड लाइफ की साइटिंग हुई क्योंकि उस एरियाज़ में बहुत प्रेशर है पोचिंग का रेट एज़ कम्पेयर टू काफ़ी अच्छा है और वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है स्पेशली कातकरी गो मतलब एग्री और ठाकर वो लोग रेगुलर मतलब वो हंटिंग ट्राइबल्स है ट्रेडिशनली ट्राइबल तो शायद उसकी वजह से या फिर कुछ बाकी के कुछ फैक्टर्स होंगे अभी तक हम लोग उसको जज नहीं कर पाए मैं बहुत कॉन्क्रीट ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता लेकिन उस एरिया में हमें कोई का साइन नहीं मिला हमें जो भी मिले ऊपर के में मिले जहाँ पे लोगों का आना जाना और जो एरिया काफी वेल प्रोटेक्टेड था थैंक यू सर थैंक यू एक्चुअली आई वॉज चेकिंग बोला की देर इज लिटरली नो डेटाबल की है ही और जो नहीं, नहीं, में है, में नहीं। प्रेडिंग की है और वाले के ऊपर ऑब्ज़र्व करके है, राइट है वो मतलब और मैंने ऑब्ज़र्व किया एक रैकेट पकड़ा भी गया था तभी तो आई अग्री विद्यू किसी और कुछ पूछना हो Uh, तो पूछ सकते हैं एक कमेंट है कमेंट uh, बॉक्स में आया है क्वेश्चन कि विच की फॉर द आइडेंटिफिकेशन इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेंगोलियंस मतलब पेंगोलिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या यूज करते हैं और पेंगोलिन uh, के पॉपुलेशन के लिए खतरा सबसे ज्यादा किससे आता है कैलमेट चेन से या फिर यूज पैटर्न चेन से मुझे कमेंट नहीं दिख रही है कहाँ से देखने है? Oh, सोड़ी, सोड़ी, सच, सच, सच. कि है क्लाइमेट चेंज का उसपे इम्पैक्ट होगा मतलब इनडायरेक्ट उस पर इम्पैक्ट होगा कि ऑब्वियसली कि जब वो क्लाइमेट चेंज का जो माइक्रो ज़्यादा वो इम्पैक्ट होता है स्पेशली टर्माइट्स या फिर इंसेक्ट्स मतलब अभी तक का मेरे पास मैंने ऐसा कोई पेपर नहीं आया मेरे पास और ना ही मैंने मुझे रेफरेंस आया कि जिसमें कि हम लोग पता कर सके कि सॉरी क्लाइमेट चेंज का उसके ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है बट डेफिनेटली उसमें उसका इंपैक्ट होगा उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा काम होना चाहिए तो इसके ऊपर मैं डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकता लेकिन दूसरी बात हाइपिड डिग्रेडेशन का उसमें दो पॉइंट है एक पॉइंट तो मतलब जो पैटर्न है जो आक्यूपन्सी का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है पैंगुलिन का जो हमने महाराष्ट्र में देखा था तो महाराष्ट्र में हमने हर टाइप के हैबिटेट में उसका प्रेजेंस देखा है मतलब ह्यूमन डोमिनेंट एरियाज हो जैसे सेंट्रल महाराष्ट्र हो जो सबसे ड्राई एरिया है काफी हॉट एरिया है और ग्रासलैंड टाइप का है उस एरियाज में भी हमें मिला और जहाँ पे हर टाइम हर साल बर्निंग पैटर्न है एग्रीकल्चर पैटर्न है वहाँ पे और कई बार तो हमें एग्रीकल्चर एरियाज में ही लातूर वगैरह जो उस्मानाबाद वो काफ़ी एग्रीकल्चर एक्टिव एरियाज़ है लेकिन उस एरियाज में भी हमें पैंगुलिन का ये मिला है लेकिन अगर हम लोग इस चीज़ का मेरे स्टडी के साथ अगर हम लोग कंसर्न करें उसका अगर मैं कम टू द पॉइंट बात करूँ तो भीमा शंकर में दो तरह के हैबिटेट है। एक तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और दूसरा है मालकी फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट के बारे में जिन लोगों ने भी काम किया होगा उनको पता होगा कि वे पूरे वेस्टर्न घाट में मालकी मालकी फॉरेस्ट 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 मिलता है है ना मालकी मतलब मतलब प्राइवेट जिसका ओनिंग लोगों के पास है और वो फॉरेस्ट को लोग हार्वेस्ट करके वहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर बाकी के कुछ एक साइकिल के बाद उसको ये करते तो उस एरियाज में हमने देखा है कि वहां पे कुछ हैबिटेट्स में क्योंकि मैंने अगर आप लोगों को पीपीटी में देखा होगा ब्लैक एरिया जो आ, आ, माल के एरियाज में मिलता था तो हमें जितने पैंगुलेंस के साइटिंग्स पीएज में मिले हैं उतने हमें पीएज में भी मिले सॉरी प्राइवेट में भी प्राइवेट एरियाज में भी मिले अगर जिस एरिया में तब जब हमें हमने ऑक्यूपेंसी की तब वो नॉन नॉनकल्टिवेटेड एरिया था जहाँ पे फॉरेस्ट काफी हद तक रिस्टोर हो चुका था लेकिन वो पाँच छः साल के बाद उसको कट डाउन करके वहां पे फिर से एग्रीकल्चर कर सकते तो डेफिनेटली जब वो लोग उसको कट करेंगे तो हैबिट ऑफ डिग्रेडेशन तो होना ही है लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी हमने इसका प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड कर लिया है इसलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राइवेट एरियाज है जो माल की फॉरेस्ट में आता है तो क्या हम लोग उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन करके जो उनके जो हैबिटेट्स थे उसको कल्टिवेट ना करें और हम लोग उसको कुछ तो इन टर्म्स ऑफ थोड़ा वैल्यू एडिशन करके सस्टेनेबल वे से हम लोग उसको प्रोटेक्ट करें तो मुझे लगता है कि ये उसका ये हो सकता है और एक में... हाँ अगर पैंगोलिन को आइडेंटिफाइड करने का वो एक ये था तो मैंने पहले बोला कि मतलब उसके प्रेजेंस को अगर आपको आइडेंटिफिकेशन मतलब अगर आपको पैंगोलियन दिखेगा तो बहुत आसान है कि उसके ऊपर स्केल्स होते हैं आपको आपने फोटो भी देखा होगा

अगर आपको उसको डिटेल में चाहिए तो मैं पूरा स्लाइड या फिर फोटोग्राफ्स डेफिनेटली अगर आपने उसके ईमेल आईडी दिया होगा तो मैं आपके साथ फोटोग्राफ्स भी शेयर कर सकता हूँ तो उसका आप यूज़ कर सकते हो बिल्कुल तुषार ई मेल आई डी मेरे पास है आपको मैं शेयर भी कर दूंगा तो आप डायरेक्टली सबको भेज सकते हैं तो जो पार्टिसिपेट किया हो और किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं तो फिर उसको हम क्लोज करेंगे कोई भी सवाल पूछना चाहता है कोई भी डिस्कशन कुछ करना चाहता हूँ Uh, मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं है तो ये जो टॉक है इसको हम लोग आज शाम में या कल सुबह तक इसको यूट्यूब पे डाल देंगे और आपके जो वीडियोस थे तो उस उस वीडियो में मैं इसको डाल दूंगा एड करके जिससे कि वीडियो भी देख सकें बाकी तो आपको आई जाएंगे आप शेयर कर सकते हैं सो तो इसके साथ ही मैं तुषार का बहुत ही ज़्यादा मैं उनको थैंकफुल हूँ उनका कि उन्होंने समय निकाला फील्ड पर रहते हैं और इतने मतलब एडवर्स कंडीशन में भी मतलब उन्होंने समय निकाल के टाइम दिया काफ़ी अच्छा खासा टाइम दिया है पीपीटी पि बनाया उसको शेयर किया नॉलेज शेयरिंग जो की है इसके लिए हम लोग आपके बहुत ही आभारी हैं तुषार तो जी थैंक यू वेरी मच और थैंक्स और उम्मीद है कि आप सभी को भी उम्मीद है कि आपको भी ये टॉक देखे अच्छा लगा डिस्कशन करके लोगों के साथ में तो और आपके काम के लिए बहुत से शुभकामनाएं आप जो भी काम कर रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ये बहुत कम लोग इस पर काम करते हैं पेंगोलिन पर पे। मैं भी आपसे पहले भी कभी हेल्प ले चुका हूँ आगे भी पेंगोलिन पे कुछ काम होगा तो हम लोग आपका हेल्प लेंगे गाइडेंस आपकी लेंगे ही बाकी आप, पार्टिसिपेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि तुषार इज़ वेरी हेल्पफुल आपको कभी भी कुछ भी जानना हो पेंगुलन्स के बारे में या कोई और स्पीशीज के बारे में क्योंकि वो टाइगर पे भी काम करते हैं और भी के बेसिस कंजर्वेशन काम करते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं उनके ईमेल आईडी मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है और एक मेल जो है कल परसों में तुषार भी आपको भेज देंगे उसके साथ इसके साथ ही मैं आप सब से परमिशन चाहूँगा इसको टॉक को क्लोज करने के लिए आ, थैंक यू वेरी मच थैंक्स एंड सॉरी देवदित्य की एक घंटे का मैं थोड़ा और नहीं, ले, थोड़ा एक्सटेंड हुआ और बाकी सब लोगों को थैंक यू कि आप लोगों ने सुना टॉक को और फिर से मैं बोलूं कि जब किसी को भी जितने पार्टिसिपेंट है या फिर किसी को भी कुछ इंटरेस्ट है किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आप लोग ईमेल कीजिए कॉल कीजिए है ना प्लीज फील फ्री टू आस्क मी थैंक यू थैंक यू सो मच योर प्लीज टेक केयर या थैंक्स